हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वेलकम बैक टू मेहेक्ति मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन मिसेस हशमत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो प्यारी लड़की? मैं भी ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं, अगर मेरी अम्मी अभी शो देख रही हूँ, फ्राइडे को यूजुअली देखती हैं क्योंकि उनकी छुट्टी होती है, तो फ़ौरन देख के कह रही हूँ कि इसको मैंने मना किया था कि तुमने ये मर्दाना सूट नहीं खरीदा। मैं ये बड़े शौक से पहन के आई और मेरी अम्मी मुझे कहती है ये तुमने क्या मर्दाना सूट पहना हुआ है, जाओ जाके कोई लड़कियों वाले कपड़े लेके, उनको अच्छा लगता है ब्राइट ब्राइट कलर्स और इस तरह के। तो देखिए मेरे अंदर आते मिसेस हशमत ने मेरी इतनी तारीफ की है, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना कूल कलर है। मैं उसे छुप के लिया था लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हमारे साथ एक और बहुत प्यारी सी जो है ना वो लेडी यहाँ पर मौजूद है, उनकी मिसेस हशमत की तो मैं हमेशा तारीफ करती हूँ कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत खातून है। तो मैं आपको दूसरी वाली कर नंबर दे सकती हूँ, ठीक है? मेरे साथ शाज़मीना आसम जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसे? ठीक है। मिसेस हशमत की ये नवासी हैं, नवासी हैं है ना, और ये बहुत अच्छा गाती भी हैं, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली नहीं गाएंगी। क्यों? गला बैठा हुआ है। गला मतलब कोई शर्म वगैरह का तो मसला नहीं? ये नहीं भाई, मैं यहाँ पर आके नहीं गाना है कुछ। करते क्या हो शाज़मीना आप? आई स्टडी ओ लेवल्स फर्स्ट ईयर। अच्छा, और क्या सब्जेक्ट्स लिए हैं? साइंसेस। साइंस डॉक्टर बनना? नहीं नहीं, फिजिसिस्ट बनना है। फिजिक्स बनना है? फिजिक्स अच्छी है? हाँ जी। मैथ्स अच्छी है? बहुत अच्छी। हमारी दोस्ती नहीं हो सकती हमारी बिल्कुल, जिसकी मैथ्स अच्छी होती है ना, फिर मैं उनके साथ मेरा बिल्कुल भी जो है ना बनने का जरा चांस नहीं होता क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत बुरी है। अच्छा, तो मिसेस हशमत से क्या सीखते हो? बहुत सारा कुछ तो आपने सीख भी लिया होगा। घर में आपके डॉक्टर मौजूद है? हाँ, थोड़ी बहुत ही। थोड़ी बहुत? मैं होती मेहरबा किन के पास बैठी होती, ये भी बता दे वो भी बता दे। तो जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर से पहले क्या इन्हें कॉल जाती है? नहीं नहीं, क्योंकि डांटती है मिसेस हशमत कि प्लीज मुझे घर में सुकून करने दो। नहीं नहीं, कभी कभी भी डांटती है, माय फेवरेट है। फेवरेट है? सच बता रहे हैं? ये मुझे लगता है डरती हैं यहाँ से, मिसेस घर में आपकी दहशत होगी। घर में बिल्कुल भी नहीं। ये कभी, ये लोग लाहौर में होते हैं कभी मुझे परेशान नहीं करते, बताते ही नहीं है कि हमें क्या तकलीफ है। हाँ। और ये समझते हैं मैं परेशान हो जाऊंगी। ये तो होता है ना, नहीं नहीं तंग करना होता है ना। और जब नानियों को इस्लामाबाद आते हैं तो उनके साथ ही टाइम स्पेंड करने का दिल चाहता है, उन्हें बीमारियों की बातें नहीं करने का दिल चाहता। आई नो। घर में डॉक्टर हो ना बड़े तंग होते हैं क्योंकि वो फिर आप पूरी फैमिली के डॉक्टर होते हैं। मेरे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। मैं भी आमिर बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। इनकी आवाज़ थोड़ी ऊँची कर दे, मैं आवाज़ नहीं आ रही। जी, मैं आमिर बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी, क्या कैसी हैं आप, क्या पूछना चाहेंगी? मेरा स्टमक इशू है, कोई 5 ईयर्स हो गए मुझे, और डॉक्टर कहते हैं कि गर्ड है, गैस्ट्राइटिस है, और साथ में उन्होंने कहा कि आपको डिप्रेशन भी है, तो उसकी भी मेडिसिन देने लगे हैं क्योंकि मुझे फिर रात को नींद नहीं आती थी। आपकी एज और वेट कितना है? मेरी एज 36 है, वेट इस वक्त 70 kg हो गया है, हाइट मेरी 5'7" है। इनकी आवाज़ ऊंची कर दे, मैं नहीं समझ आ रही क्या कह रही है। जी, मैंने कहा मेरी एज 36 है। एज 36 है जी, वेट मेरा 70 kg इस वक्त हो गया है और हाइट 5'7" है। अच्छा, और खाना खाती है नॉर्मल? नहीं मैम, अब मेडिसिन जो दी गई है मुझे डॉक्टर दे रहे हैं, मैं मेडिसिन लेती हूँ तो सब कुछ खा पी सकती हूँ। एक मेडिसिन है ये नौसेट के नाम से आती है 40 mg की, 2 टाइम मैं लेती हूँ। अच्छा, तब मेरा स्टमक काम करता है, अदरवाइज बेचैनी से स्टार्ट हो जाती है। ये कब से ऐसा है? मैं 5 ईयर्स हो गए मुझे। ये तो बहुत लंबा अर्सा है। एच पाइलोरी, माइलेज, ये टेस्ट वगैरह करवाए हैं? जी मैम, सारे टेस्ट हो चुके हैं मेरे, इवन कि मेरे जो हेडेक होता था, सीवियर किस्म के अटैक होते थे, उसके लिए मेरा MRI ब्रेन भी हो चुका है। तो फिर डॉक्टर इनायत आदिल ने मुझे एंडोस्कोपी भी की थी, तो उन्होंने कहा कि गैस्ट्राइटिस है। अच्छा। और आपको ये जो पेन होता है हेडेक, ये डिप्रेशन का होता है। अच्छा। फिर उन्होंने डिप्रेशन की मेडिसिन दी थी। आपको डॉक्टर ने डिप्रेशन की दी थी या आप साइकोलॉजिस्ट के पास गई? नहीं नहीं, डॉक्टर ने मुझे दी हुई है। इस वक्त मैं ट्रिप्टोनॉल लेती हूँ। अच्छा, तो उससे ठीक रहती है? मैम अभी 2 साल से तो काफी ठीक थी, लेकिन अब कुछ अजीब अजीब सी। वॉक करती हैं या नहीं? नहीं, वॉक नहीं करती। अगर आप वॉक नहीं करती तो कुछ भी नहीं होता, हम आपको आने का जवाब देते हैं। ओके, थैंक यू। आज वैसे भी हमारे साथ डॉक्टर साहब आ रहे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। और वॉक से हमारी बॉडी में
हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, जब तक हम वर्क नहीं करते हमारी डिप्रेशन कैसे दूर हो सकती है। और पेट को तो वैसे भी हम छोटा दिमाग कहते हैं, जब आप रिलैक्स नहीं होते तो आपका पेट कैसे सही हो सकता है। और 5 साल बड़ी मुद्दत होती है। बिल्कुल। अच्छा अति, आप इस्लामाबाद में रहती हैं तो आप इस अश्मित को विजिट भी कर सकती हैं। मेरा तो ये है कि मैं इतने टेस्ट करवाती हूँ, अगर ये नहीं तो वो नहीं तो अगर मैं थायराइड भी करती, कभी कभी थायराइड की वजह भी होती है। लेकिन डायग्नोस जब तक चीज नहीं होगी, हमारा सबसे वीक पॉइंट ही जो है वो यही होता है कि डायग्नोसिस नहीं होता। डायग्नोस और वो जब गलत हो जाता है फिर आप गलत दवाइयाँ खाते रहते हैं, उससे मैदे के अल्सर बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए। और डिप्रेशन की दवाई, एक ये बात मुझे बिल्कुल समझ आती, डॉक्टर ने डिप्रेशन की दवाई दे दी, डिप्रेशन किसने डिटेक्ट किया? आप गए साइकोलॉजिस्ट के पास, आपको बताया साइकोलॉजिस्ट ने कि आपको वाकई डिप्रेशन एक बीमारी है, ये सिर्फ एक सरदर्द या बड़ी बीमारी, ये बहुत बड़ी बीमारी है। और जो डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं, जो एंजाइटी की, डिप्रेशन की, उनका डायरेक्ट आपके मैदे पर असर होता है। तो ये तो मतलब बड़ी इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं। और अगर आपको कोई कह रहा है कि आपको सवेर सर दर्द है और वो डिप्रेशन की वजह से, तो आपको एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और बड़ी लास्ट चीज़ होती है जो आपको साइकोलॉजिस्ट दवाई देता है, वरना उसके बाद थेरेपी है, एक चीज़ है, दूसरी चीज़ है। तो और सुंदर, जब तक ये वॉक नहीं करेंगे ये कुछ भी ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, वॉक की वजह से हमारा मेलाटोनिन भी बनता है, हमें नींद भी आ जाती है, हमारी डिप्रेशन भी दूर हो जाती है, हम रिलैक्स भी हो जाते हैं। और बॉडी का सर्कुलेशन, बंधा हुआ माल भी कहते हैं कि थोड़ा सा इसको टहलाई करें। जेल में बंद जो कैदी होते हैं उनका भी एक टाइम होता है, उनको बाहर निकालते हैं। तो आप तो यहाँ इस्लामाबाद में रहती हैं, इस्लामाबाद की तो हर जगह वॉक के लिए मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने थोड़ी सी वॉक अपनी जो है ना लाइफस्टाइल में, खाने के बाद एक चम्मच सफेद जीरा भी खाने, खाने के बाद एक चम्मच सफेद जीरा, ठीक है, छोटा चम्मच है ना। वैसे एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। मेरा ये सवाल है मिसेस हशमत से जी, अभी तो ये मेरे के लिए बता रही थी, बहुत अच्छा बताया है उन्होंने ना जी जी। और ये पूछना है कि दांतों के बारे में बताइए, पायरिये का इलाज कि हम लोग घर में कर सके ना जड़ी बूटियों से। किस चीज का इलाज? पायरिया, दांतों का जो होता है ना पायरिया। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। आपकी एज कितनी है? ये मैं वैसे ही सवाल पूछ रही हूँ जी जी, किसी के लिए। वैसे भी हमें अपनी एज तो बता दीजिए ना, ये तो मैं वैसे ही पूछती हूँ सारी खातिन से अपनी एज बता। रुबीना थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, हम इस पे आपको बताते हैं। अच्छा, दांत जो है इसके ऊपर कंप्रोमाइज कभी ना करें। दो चीज़ें हमारे साथ कब्र तक जा सकती है जो कि बड़ी मजबूत खुदा ने बनाई है, एक दिल और एक दांत। अगर हम इनकी हिफाजत करें, दिल से कीना निकालें और दांतों का, अल्लाह ताला ने 5 वक्त जो वज़ू भेजा, सबसे पहले वज़ू मुँह का है। अब जो कुछ भी खाए अब कुलिया करें, क्योंकि जो पार्टिकल फूड के हमारे दांतों में रह जाते हैं वहीं से हमारा तबाही शुरू हो जाती है। फिर इसको कहते हैं कि कीड़ा, वो डिके शुरू हो जाता है और उसके बाद से दांत ख़राब होना। जब दांत की तकलीफ़ अंदर तक चली जाए फिर टोटकों पर ना जाए, किसी चीज़ पे नहीं जाए, सीधे डॉक्टर के पास जाए ताकि आपकी ट्रीटमेंट हो जाए, दांत आपको दोबारा नहीं मिल सकता। अच्छा, बचने के लिए, बचाने के लिए कि हम अपने दांतों की हिफाजत कैसे करें, एक तो कभी कभी एप्पल साइडर में थोड़ा सा पानी डाल के उसके गरारे करें ब्रश के बाद। अगर कोई भी बैक्टीरिया हो तो वो ख़त्म हो जाता है, आपके ज़बान का भी कोई इशू वो भी ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात यह है, पायोरिया के लिए इन्होंने पूछा, रात सोते वक्त ब्रश के बाद नमक थोड़ा सा लेके सरसों का तेल मिक्स करके हथेली पे, जैसे मैंने हाथ रखा हुआ है उस पर मिक्स करके उससे आप मालिश करें, आप मसाज करें, आपका इतना स्लाइव आएगा, जितना आ जाए इतना बेहतर। उसके बाद मुंह नहीं धोना, फिर सो जाए, ठीक है बस। अच्छा, ये मिसेस हशमत हमें कब से बता रही हैं ये फार्मूला, ये सरसों के तेल और नमक मिक्स करने वाला? और मैंने बहुत रिसेंटली एक बड़ी फेमस जो है वो ब्यूटी ब्लॉगर भी हैं और वो उनका अपना पूरा एक ब्यूटी ब्रांड भी है, उनके मैंने उस पर देखा कि एक नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको ऑयल पुलिंग कहते हैं। और ऑयल पुलिंग में होता यह है कि कोकोनट ऑयल हो या सरसों का तेल हो, कोकोनट ऑयल इसलिए क्योंकि उसका जायका थोड़ा बेहतर होता है, तो उसको आपने अपने मुंह में 20 मिनट्स के लिए जो है वो रखना है, 15 to 20 minutes का। सुबह आप जो है जब तक काम कर रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं, तो आपने उसकी कुल्ली करते रहनी है, करते रहनी है, करते रहनी है। यू हैव टू डू दिस वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, जब भी आपके पास टाइम है। उससे होता ये है कि जो चीज़ माउथ वॉश से, क्योंकि अल्कोहल एक ड्राइंग एजेंट है, जो माउथ वॉश में अल्कोहल होती है exactly, वो ड्राइंग एजेंट है, तो उससे आपका जो है कभी कभी देखा होगा कि वो जो कॉटन माउथ हो जाता है या फिर थोड़ी देर बाद जिनको स्मेल्स के इश्यूज हैं वो कवर हो जाते हैं पर ख़त्म नहीं होते। तो ऑयल पुलिंग से वो बैक्टीरिया जो ना टूथपेस्ट से निकलता है, ना फ्लॉसिंग से निकलता है, ना माउथ वॉश से निकलता है, उससे वो भी पुल हो जाता है। इवन कि हमारे
زبان کے پیچھے بھی ایک چھوٹی سی زبان ہے وہاں پر اگر تھوڑا بھی فوڈ رہ جائے تو اس کی اتنی بری اسمیل ہوتی ہے کہ کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا. بالکل وہ گندک کی طرح یہ وہ بھی نکال لیتا ہے. یہ وہ بھی نکال لیتا ہے. تھروٹ سٹونز ہو جاتے ہیں لوگوں کو اس سے. اچھا اگر کوئی یہ نہ کر سکے کہ میں منہ میں کیسے تیل پکڑوں, کوئی بھی تیل ہو, تو آپ آرگینک تیل لے لیں کوکونٹ کا اور آپ چائے کی ایک کپ میں ڈالیں. اتنی مزیدار وہ چائے ہوتی ہے, آپ کبھی ٹرائی کر کے دیکھیں. اچھا اور اس میں جو ہے اس کو وہ آپ کے اندر بھی اور باہر بھی منہ بھی صاف ہو جاتا ہے. زبردست. اور سافٹنس بھی ہو جاتی ہے, ایون آپ کا میدا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے. میدا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. بیڈ کولیسٹرول کے لیے بھی اچھا ہے. دیکھیں سر کتنے زیادہ فائدے ہیں اس کے. تو میں جب یہ آرٹیکل پڑھا مجھے فوراً یاد آیا, میں نے کہا میں سچ میں تو ہمیں ہر دفعہ بتاتی ہیں دانتوں کے لیے کہ آپ تھوڑا سا سرسوں کے تیل میں نمک مکس کریں, اس کو اپنے مسوڑوں پہ لگا کے آپ سو جائیں, اس کے بعد وہ جتنا اور بہت زیادہ سلائیوا آتا ہے بالکل, تو وہ جتنا بھی ہے وہ آپ اس کو پھینک کے اس کے بعد سو جائیے. تو اور دانتوں کی پلیز بہت ایک بات جو آپ کو ہر ڈاکٹر کہے گا, اچھا ڈاکٹر جو آپ کو نیوٹریشنسٹ بھی کہیں گے, جو آپ کو جسم سسمت بھی کہہ رہی ہیں, کہ دانتوں میں آپ نے اگنورنٹ نہیں ہونا, آپ نے ضرور 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 جو ہے جا کے ڈاکٹر کو اپنے ڈینٹسٹ کو دکھانا ہے. اچھا جی کچھ سوالات جو ہیں وہ آ چکے ہیں ہمارے پاس. شبانہ خوشاب سے پوچھتی ہیں کہ عمر 23 سال ہے, شدید کھانسی کا شکار ہوں, رات بھر نیند نہیں آتی, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک جواب اور دینا چاہوں گی کیونکہ یہ دانت ہر ایک کا مسئلہ ہے. جی ریموٹائڈ آرتھرائٹس کی وجہ یہ دانت ہے, ہارٹ انفیکشن کی وجہ یہ دانت ہیں. جو یہ پیوریا ہمارے اندر جاتا ہے اس چیز کا پھر علاج نہیں ہے. اچھا اس وجہ سے اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. اس وجہ سے سنت میں بھی یہ ثابت ہے, نماز میں بھی ہے اور ہر مذہب میں بھی ہے کہ پہلے اپنے منہ کی صفائی کا خیال کریں. بالکل بالکل. یہ دیکھیں نا کہ مطلب صرف یہ آپ کے دانت نہیں ہے, یہ آگے جا کے مزید بھی نقصان دے سکتا ہے. گیٹ وے ہے ہماری صحت کا, گیٹ وے ہے. بالکل جیسے اندر جائے گا تو آپ ویسے ہی رہیں گے. جی کھانسی شدید, کھانسی شدید, 23 سال ان کی عمر ہے اور پوری رات نیند نہیں آتی. کبھی کبھی الرجک کف جو ہوتی ہے وہ شدید ہوتی ہے. کبھی کبھی اگر اس کے ساتھ بلغم آتا ہے تو وہ الرجک نہیں ہوتا, ڈرائی کف, لیکن ڈرائی کف ہی شدید ہوتی ہے اس کو, وہ دوسری کتنی شدت نہیں ہوتی ہے. گلا صاف ہو جاتا ہے اور کھانسی ختم ہو جاتی ہے. اس کے لیے اسی وقت فوراً 3 لونگ, 3 کالی مرچ اور 3 کشمش یہ چبا لیں. یہ علاج نہیں ہے, ریلیف ہے. ٹھیک ہے. علاج یہ کہ صبح شام مکھن لیں اور یخنی میں زیادہ سارا پیاز اور بند گوبھی ڈالیں, وہ سینہ صاف کرتا ہے. یہ نہیں کہ میرا گلا خراب ہے تو میں مکھن لوں, لوبریکیشن ہو جاتی ہے کیونکہ ڈرائینس اتنی ہو جاتی ہے کہ اور بھی بندہ کھانستا رہتا ہے. بالکل. تو یہ آپ نے, اور یہ رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ, یہ جو آپ نے بتایا کشمش لونگ اور نہیں, جس وقت کھانسی کا دورہ پڑے. اچھا کشمش, کشمش لونگ اور کالی مرچ 3-3 لے لیں اور وہ چبا لیں اور ان کو اسی وقت ریلیف ہو جاتا ہے. صحیح. یہ لونگ اور کالی مرچ سے انستھیزیا بنتا ہے, خارش ختم ہو جاتی ہے اور کشمش جو ہے وہ گلوکوز ہے, آپ کو انرجی دے دیتا ہے. زبردست زبردست. تو یہ ٹرائی کیجیے گا. اور اگر یہ بہت عرصے سے آپ کو کھانسی ہے تو پھر آپ کو الرجی کا علاج, الرجی بھی ہو سکتی ہے. اور ایک مہینے سے زیادہ اگر کسی کو کھانسی ہے تو اپنا ٹی بی کا ٹیسٹ ضرور کروائیں. ٹی بی کا ٹیسٹ ضرور. اچھا اس میں بے شک آپ کی وہ ڈرائی کاف ہو پھر بھی, اصل میں ایک مہینہ کھانسنا سینے کو کافی نقصان پہنچاتا ہے. بالکل بالکل. آپ کانسٹنٹلی دیکھیں نا, ایگزرٹ کرنے کی کوشش کریں. اچھا جی ابیرا سیالکوٹ سے پوچھ رہی ہیں, اوپر لکھا ہوا ہے ابیرا سیالکوٹ سے, نیچے عثمان لاہور سے. مجھے نہیں پتا یہ کس نے یہ سوال پوچھا ہے. عمر 22 سال ہے, کمر درد کا شدید شکار ہوں پچھلے 6 مہینے سے, بمشکل اٹھ کے جو ہے کوئی بھی عام گھر کا کام کیا جاتا ہے. عمر 22 سال ہے ان کی. اپنا یہ تو بہت چھوٹا ہے, نیورو فزیشین کو ضرور دکھائیں. اس عمر میں کمر کا درد نہیں ہونا چاہیے. اب ہم یہ نہیں پوچھ سکتے چوٹ لگی ہے, آپ کا لائف اسٹائل کیا ہے, آپ کا بستر کیسے ہے, آپ کا جوتا کیسے ہے, آپ کو کانسٹیپیشن تو نہیں ہے. اس میں کتنی ساری باتیں آ جاتی ہیں جس میں ہمیں کمر کی درد ہوتی ہے. آپ کو یورک ایسڈ تو نہیں ہے, لیکن ایک ایکسرسائز ہے, آپ کھڑے ہو جائیں, لیکن آپ نے دیوار پکڑنی ہے ضرور. جیسے یہ میں نے دیوار پکڑی ہے, میں کھڑی ہوں تو یہ جو میرا رائٹ لیگ ہے یہ پیچھے کو موڑ لیں کہ آپ کی ہیل آپ کی بٹک کو ٹچ کرے, یہاں ہاتھ رکھا ہے, پھر دوسرا ہاتھ ادھر رکھیں تو دوسرا پاؤں اٹھا لیں. جیسے آپ رائٹ میں نے رکھا ہے دیوار کے اوپر تو لیفٹ اٹھایا, اور میری ہیل میری بٹک کو ٹچ کرے. یہ کمر کی ایکسرسائز ہے. ہر کھانے کے بعد 3 انجیریں, یہ بھی کمر کا علاج ہے. لیکن وہ ڈائگنوز ضرور کرے کہ وجہ کیا ہے, کہ وجہ کیا ہے. مطلب اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے کہ آپ سے گھر کے کام ہی نہیں ہو رہے اٹھ کے عام, تو پھر تو مطلب کچھ نہ کچھ چک پڑی ہو سکتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہم پراپر ڈائگنوز نہیں کر رہے, تو یہ ایکسرسائز جب آپ کریں گے تو وہ مزید نہ کوئی کھچ پڑ جائے یا کچھ ہو جائے. بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ کیسی ہیں سندس؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ, آپ کی دعائیں ہیں.
सबसे पहले आपके गेस्ट इतने अच्छे इतने प्यारे आए, मैं सबको वेलकम और बहुत ज्यादा सलाम और जुमा मुबारक। थैंक यू, खैर मुबारक है। जो हमारी नई गेस्ट आई हैं इनको भी सलाम। जी जी, इनको बहुत ज्यादा वेलकम, वार्म वेलकम। थैंक यू, थैंक यू जी। क्या पूछने जाएंगे आप? अच्छा, मैंने मिसेस अजमत से पूछना है कि मेरा बेटा है 22 इयर्स उसकी एज है। एक तो उसको खुश्की का सर में बहुत ज्यादा मसला है और दूसरा उसके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। उसको इतनी टेंशन हुई है, मुझे कब से कह रहे हैं अम्मी इन लोगों से पूछे मेरे सर का मसला, बहुत बालों का मसला बना हुआ है। वो बस हाथों में निकाल निकाल के बाल मुझे दिखाता रहता है, अम्मी देखे मेरे कितने बाल गिर रहे हैं, आप चाहती है मैं अभी से गंजा हो जाऊँ तो कुछ कह रहे हैं इन लोगों से पूछे मेरे बाल बहुत ज्यादा। मेरी बात सुने, आपके बेटा गोश्त खाता है? माशाल्लाह सब चीज खाते हैं, गोश्त सब्जी। अच्छा, दाल हर चीज। वो खारिश तो नहीं करता बमों में या पीछे दाने तो नहीं निकले उसके छोटे छोटे से? सर में तो नहीं है लेकिन वो जो एक्नी वगैरह जो इस एज में होते हैं चेहरे पे है। कभी कभी हम कंफ्यूज कर देते हैं ना, जो यहाँ पे दाने होते हैं या ये बिल्कुल माथे पे, कुछ लोगों की सारी एक्नी माथे पे होती है, ऐसा तो नहीं? उसकी नोज पे, उसकी नोज पे निकलते हैं बहुत सारे, या फिर उसकी कमर पे निकले हुए होते हैं काफी ज्यादा, वो उसको भी तकलीफ दे रहे होते हैं कि अम्मी खून भी निकल रहा होता है, खारिश भी होती है इन दानों में, लेकिन चेहरे पे सिर्फ नाक पे निकलते हैं और पूरे चेहरे पे नहीं निकलते। अच्छा, हम आने आप जवाब देते हैं आपको। इसको कहते सुबारिक डर्माटाइटिस, जिसका हम पूछते हैं कि दाने तो नहीं निकले, अब इसके पीछे हैं तो जहाँ जहाँ ये खुश्की गिरेगी वहाँ दाना बनाती है। अच्छा, इसको ख़त्म करने के लिए प्याज का पानी हफ्ते में एक बार लगाएं, लगाने के बाद एक घंटे के बाद वॉश कर लें, शैम्पू के बाद आधा कप सिरका आधा कप पानी मिक्स करके बालों में लगा लें। जब बाल खुश्क हो जाए, नहीं अभी बालों को सादा पानी से धो लें, ठीक है, जब खुश्क हो जाए तो एलोवेरा जेल लगा लें, छोड़ दें उसको, ठीक है, कुछ हद से ये करने इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, इससे ठीक हो जाएगी बिल्कुल खुश्की। और मत खींचा करें बाल, अगर बाल गिर रहे हैं तो उसको जितना खींचेंगे उतने वो आपके हाथ में जो है वो आते जाएंगे। और बाकी और अगर आपकी फैमिली में जेनेटिक्स, इट्स टू यंग टू हैव मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है, नहीं अभी तो वो बहुत यंग है। दूसरा, ये नमाज पढ़ा करें, ये टी जोन है जहाँ हमारे वो निकलते हैं, लेकिन ये सोराइसिस में सबसे बड़ा इलाज है कि आप प्रोटीन बंद करें। ये लोग कहाँ बंद करते हैं? प्रोटीन बंद कर, बिल्कुल बंद कर, विटामिन सी ज्यादा और प्रोटीन बंद, तो मतलब नो गोश्त, नो अंडे, स्पाइसेस भी नहीं। स्पाइस है जिंदगी में, सारा मजा ही है। स्पाइसेस, ऑयली थिंग्स और कोला ड्रिंक्स और प्रोटीन, विटामिन सी ज्यादा, फ्लूइड ज्यादा, मतलब आपको जबरदस्ती सेहतमंद होना पड़ेगा। सिर्फ 4 महीने का कोर्स है अगर आप कर लें, वरना मेडिकली सोराइसिस का कोई इलाज नहीं है। ना बिल्कुल, वैसे तो कोई इलाज जींस में आता ही है। ट्रू। छोटी सी ब्रेक के टाइम में, ब्रेक के बाद आप सारे वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर वसीम ख्वाजा ने, सीनियर फिजिशियन एट पेम्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। शुक्र, हमने आपको ऐसे टॉपिक के लिए बुलाया है जिसका कोई एंड नहीं, इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। सही कह, मतलब हम इतना कुछ बताते हैं लोगों को और फिर हर साल इस तकलीफ से हम दोबारा गुजरते हैं। पोलन सीजन की बात हो रही है और अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये वाला सीजन। बिल्कुल, तो क्या इसकी कोई क्या बताते हैं? सबसे पहले तो हम इसकी प्रिवेंशन पे बात करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले जिनको पता है ना कि उन्हें पोलन एलर्जी होती है, हर साल होती है, उन्हें चाहिए कि जब अलामात शुरू हों उससे 2 हफ्ते पहले ही प्रॉपर डॉक्टर से रब्ता कर लें, ताकि पहले ही मेडिसिन शुरू कर दें, ताकि जब सीज़न ऑन हो या तो अलामतें बहुत कम हो जाती हैं या बाद पेशेंट्स को नहीं होती, उन्हें प्रॉपर चेकअप कराएं इससे नहीं। और इसके अलावा जो है प्रिवेंशन में ये है कि आपने बेसिकली, तो वजह क्या है? वजह यह कि पोलन एलर्जी हर बंदे को पोलन टच करते हैं, किसी को खांसी आती है, किसी को नहीं आती, किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी को नहीं होती। वजह क्या है? वजह यह है कि हर एक अपना डिफेंस सिस्टम है, एक किसी का गलत डिफेंस सिस्टम है, वो समझता है पोलन जो है ये दुश्मन है,
اس کو ایز اے دشمن اٹیک کرتے ہیں. جب وہ اٹیک کرتا ہے وہ امیون سسٹم پولن کو, پھر یہ ساری علامات شروع ہو جاتی ہیں, کھانسی نزلہ زکام سانس لینے میں دشواری استھما کے سارے سائن سمٹم ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ جب پتہ ہوگا یہ پولن کاؤنٹ زیادہ ہونا ہے جس ٹائم پہ زیادہ زیادہ, صبح 5 سے 10 شام کو کے ٹائم بھی ہوتا ہے, تو اس ٹائم اوائڈ کریں نکلنا. چلیں اگر نکلنا ہی ہے مجبوری ہے تو ماسک پہن کے عینک پہن کے نکلیں, اوپر بھی کور رکھیں. ڈاکٹر صاحب یہ دوبارہ بتائیں ٹائمنگ سے کب ہوتا ہے؟ یہ صبح 5 سے 10 شام عصر اور مغرب کے درمیان. مطلب آپ کے جو مین آورز ہیں جب آپ نے روڈ پہ ہونا ہی ہونا ہے, ہونا ہی ہونا ہے, تب پولن تب ہوتی ہے. لیکن ساتھ آپ پولن کاؤنٹ بھی چیک کرتے رہیں. اب لوگ سارے نیٹ پہ بیٹھتے ہیں اور کئی ویب سائٹس بھی ہیں, وہاں پہ چیک کر لیں کہ پولن کاؤنٹ کب زیادہ ہے. زیادہ لوگوں کو تب مسئلہ ہوتا ہے جب پولن کاؤنٹ اس ٹائم زیادہ ہو, روزانہ کاؤنٹ زیادہ نہیں ہوتا. جیسے کہ آج کل کم ہے, پچھلے دنوں بہت زیادہ تھا تو آج کل کم ہے, تو آج کل اتنا پرابلم نہیں ہے. لیکن جب مجبوری ہے نکلنا ہی ہے تو اگر بائک پہ جانا ہے تو ہیلمٹ لیں, شیشہ وغیرہ لگا کے رکھیں, گاڑی پہ جائیں تو ماسک پہن کے رکھیں. سارا یہ تو چھوڑنے نہیں آتے تھے بالکل, کیونکہ بیسیکلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ پولن کو اپنے آپ سے ٹچ ہونا, جو اس کو اوائڈ کرنا ہے, آنکھوں سے ٹچ نہ ہو ناک پہ منہ میں, تو اس کا یہ ماسک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ناک میں جو گلیسرین یا کوئی آئل اولیو آئل تھوڑا سا وہ لگا لیں تاکہ ڈائریکٹ ٹچ نہ ہو پولن وہاں سے, اور نیم گرم پانی کر کے ہلکا سا نمک ڈال کے اس کو سارا ناک سے دھوتے رہیں تاکہ وہاں پہ جو ہے ٹچنگ نہ ہو اس کی پولن کی, تاکہ وہ علامات نہ شروع ہوں. وہ بھی آپ کا بند ہو گیا, ماسک پہنا ہوگا آٹومیٹیکلی, ٹھیک ہے کم ہوں گے پولن, لیکن سانس تو آپ نے لینا ہی لینا ہے, لیکن یہ اس کو پریونشن آپ نے کرنی ہے. اس کے علاوہ اب کپڑے جو ہیں بعض اوقات باہر ڈالتے ہیں گھر کے, بالکل کے لیے یہ بہت غور سے سنیے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو اس میں جو ہے وہ دائیں بائیں اگر پولن ہے, آپ کو پتہ ہے کاؤنٹ زیادہ ہے, اس پہ جب پولن جب گریں گے, جب آپ پہنیں گے آپ کو الرجی ہے تو آپ کو شروع ہو جائے گا, ہو جائے گا بالکل. اور اس کے علاوہ گھر میں جو کارپیٹ وغیرہ ہیں وہ بھی موو کریں, اگر وہاں پہ آپ نے ڈسٹنگ کرنی بھی ہے تو آپ گیلا کریں اس کو, فرش کو گیلا کریں, اڑے نہ ہوا میرے کو ڈسٹ, کیونکہ بعض لوگوں کو پولن سے الرجی, بعض کو ڈسٹ سے, دھوئے سے, اور ایک تو چیز نہیں ہے, اس میں کئی چیزیں اس موسم میں ان کو جو پرابلم ہو جاتی ہے. اب گھر سے آپ باہر سے آئیں تب بھی آپ کو پولن, اگر آپ ہیں شوز میں بھی ہے کپڑوں میں بھی ہے, جب بھی گھر آئیں باہر سے تو پھر اچھی طرح آپ نے اپنے آپ کو نہانا بھی ہے اور کپڑے بھی دھو کے چینج کر لینے, چینج کرنے اور ان کو دوبارہ نہ پہنے, ان کو پھر واشنگ میں بالکل. اوپر جو یہ بیڈز پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو ایک خاص سے پولن سیف ہوتے ہیں شیٹس ہوتی ہیں وہ یوز کریں, ہفتے ایک بار اچھی طرح دھوئیں اس کو تاکہ وہاں پہ جو پولن ہے وہاں سے وہ ریموو ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب نے اتنی ساری جو آپ کو باتیں بتائی ہیں, میں آپ کو بتاؤں کبھی کبھی نا جس انسان کو, میں اپنی آپ کو ایگزامپل ہمیشہ اس لیے دیتی ہوں کہ مجھے دنیا میں آئی تھنک سو 90% چیزوں سے الرجی ہے, اور اس کی وجہ سے نہیں, دس از ویری ٹرو. مجھے کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں نا آپ کو کس چیز سے الرجی ہے, تو میں کہتے ہیں ہم الرجک ٹو لائف, میں کیا کہوں. تو اس کی وجہ سے مجھے ڈاکٹر نے 2-3 چیزیں بتائیں جس سے میں بڑی بے مروت لگتی ہوں. جب میں کہیں جاتی ہوں نا تو میں, پلیز مجھے آپ پلاسٹک کی بوتل میں ہی پانی دے دیں, میں ڈائریکٹ اس سے پی لوں گی, میں کوئی گلاس نہیں یوز کرتی. میں زیادہ پہلے میں بہت زیادہ ملنے جلنے والی, گلے لگانے والی, ہاتھ ملانا ہر کسی سے, ہمیں کسی سے ہاتھ نہیں ملاتی. تو میں تھوڑا سا نا, اور یہ آپ کو کرنا پڑتا ہے, مطلب میں اتنا بیمار رہی ہوں اتنا, کیونکہ آپ کا قصور نہیں ہے اس میں, آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, آپ کو ہی جو ہے نا چلتے پھرتے الرجی کی فیکٹری نہیں ہے, لیکن مجھے ہر چیز سے الرجی ہے. تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا, اور یہ میں اور میری ایک دوست ہے جب ہم مشہور ہو گئے تو روڈ خواتین, ہم لوگ نہیں پلیز ہم اپنا کپ لے کے ہر جگہ جائیں گے, اپنا تکیہ لے کے جائیں گے کہیں رہنا ہے تو, پر یہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. اور صفائی کا ہی بہت ایلیمنٹ ہے, صاف ستھرا رکھیں گھر کو بھی, خود گھر کو بھی, بالکل کھڑکیاں نہیں کھول سکتی میرے گھر, اس کے علاوہ جو اور کھڑکیاں وغیرہ بالکل بند رکھیں. اس کے علاوہ جو گھر میں اگر کہیں ایسے درخت ہیں جہاں پولن, ان کو ریموو کریں, جانوروں کو اندر آنے دیں, جانور کے اوپر بھی وہ پولن لگے ہوتے ہیں وہ بھی اندر آنے دیں, اسے ہی مسئلہ ہوگا. باہر سے کوئی بندہ آ رہا ہے شوز میں ہی پولن ہے, ان کو بھی واش کریں, اندر نہ لے کے جانے دیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ اتنا اچھا رواج تھا پتہ نہیں کیوں ختم ہو گیا ڈاکٹر صاحب. چھوٹی چھوٹی باتیں, پہلے باہر سب جوتے اتار کے آتے تھے, مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں بھی ایک ڈھیر لگا ہوتا تھا باہر, ایک شو ریک آتا تھا بالکل جو ہر گھر میں ہوتا تھا, کہ وہ مین انٹرنس کے پاس ایک شو ریک پڑا ہوتا تھا, سب اس میں شوز رکھتے تھے پھر اندر جاتے تھے. اور مجھے بڑی حیران کی ہوتی, کوئی بھی اندر آتا ہے تو میرے دل سے ایسے ہوتا ہے, میرے کارپیٹ پہ جیسے جوتا آتا ہے ایک دم سے ہائے, کیونکہ وہ تو آپ نہیں, آپ سوچیں دنیا جہان کا گند آپ اس کارپیٹ پہ لے کر آ رہے ہیں. کارپیٹ لے کے آتے ہیں, اور کارپیٹ تو ریموو کرنا چاہیے بالکل, کارپیٹنگ نہیں ہونی چاہیے, کارپیٹنگ چاہیے, کمبل چمبل کارپیٹنگ ساری وہاں سے ریموو کریں. یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے آپ اس سے بچ سکتے ہیں. اور اس سیزن میں جو بہت اچھی ایک ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ کپڑے جب آپ نے سکھانے ہیں تو کوشش کیجیے ایک ڈرائر میں انویسٹ کر لیں, تاکہ اس کے بعد آپ گھر میں ہی اس کو ڈالیں گے, ہلکا سا اسے پنکھا لگے گا تو سو. اور اب تو اتنی گرمی ہو گئی ہے کہ کوئی وہ والا مسئلہ بھی نہیں ہوتا جب تک ہیومیڈیٹی کا سیزن نہیں آتا. تو یہ واقعی جب آپ باہر ڈالتے ہیں, صرف پولن نہیں بلکہ مجھے لگتا ہے جو لوگ تھوڑی سی اپر منزل پہ رہتے ہیں نا, وہ تو ڈسٹ اتنا پکڑ لیتے ہیں کپڑے, اتنی زیادہ ڈسٹ ہے اسلام آباد میں, کیا آپ وہ دھو گے, آپ وائٹ قمیض باہر ڈالتے ہیں وہ ہلکی سی, کھانے پینے کا زیادہ ایشو ہے, آپ زیادہ کھائیں گے
तब भी वो एलर्जी आपको ज्यादा हो जाती है। अच्छा, खाने से भी है? खाने से भी, ज्यादा खाना आप खाते हैं वो वापस तेजाब ऊपर आता है और साथ एसिडिटी होती है, साथ ही उससे भी आपको एलर्जी है वो एग्रेवेट हो जाती है पोलन एलर्जी भी। अच्छा, तो इसलिए ये खुराक और कई चीजें, हर चीज हर बंदे को सूट नहीं करती, कोई बीमारी हो या ना हो। अब इस मौसम में कोई केला खाता उसको तकलीफ होती है, बिल्कुल, कोई स्ट्रॉबेरी खाता उसको, कोई बादाम खाता उसको तकलीफ हो जाती है। तो हर किसी को जो ना हर चीज सूट नहीं करती, बीमारी हो या ना हो, इसलिए आपको पता है ये चीज आपको सूट करती है वही आपने खानी है, सेहत के लिए ठीक है। अगर सेहत के लिए ठीक है आपको सूट नहीं करती उसको अवॉइड करें। जो भी आपने कोई चीज खानी, ठंडा पानी पिए, चटपटी चीजें, मसाले वाली चीजें आप खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो पोलन एलर्जी तो आपको है ही है। बाद लोग इन चीजों से भी एग्रीवेट हो जाती है वो चीज एलर्जी, आपका इम्यून सिस्टम जो वीक है और वीक होते हैं चीजों से। तो अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी बताया कि जिनको भी ये मसला होता है और हर साल होता है वो कुछ देर पहले से अपने डॉक्टर से रابطे में रहे, तो एक हमें कॉल लेते हैं उसके बाद मैं पूछूंगी कि क्या जो है आपको महीना पहले स्टार्ट कर देना चाहिए और आपका वो इलाज भी हम बताएंगे जो हम बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूं, आप कैसी हैं? तो ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पूछना था डॉक्टर हशमत से। जी जी, मेरा 1 ईयर हो गया शादी को, अभी मतलब कोई बेबी वगैरह नहीं हुआ, तो उसके लिए अगर कुछ हो होम रेमेडी या कुछ मुझे बता दे। क्या एज है आपकी? 27। 27 एज, जवान जहान, वो सिर्फ 1 साल हुआ। इतनी परेशानी, इतनी परेशानी, कौन फैमिली में तंग करता है मुझे बताओ। बिल्कुल ये बात सही है, कौन पूछता रहता है? सारी पूछते हैं। है देखा, ये नहीं बता सकते ना, ये नहीं बता सकते। कोई आपने पूछ टेस्ट वेस्ट कम, असल में टीवी और टेलीफोन पे बच्चे कहाँ होते हैं के लिए दोनों मियां बीवी के टेस्ट चाहिए। बिल्कुल, पहले पहले हस्बैंड का टेस्ट कराए वो जरा इजी होता है, एक स्टेप पे चल जाता है। और डॉक्टर साहब आपको पता है हस्बैंड अवॉइड करते हैं? बिल्कुल नहीं कराते हैं, हालांकि बहुत आसान ट्रीटमेंट है, एक दफा डायग्नोज हो जाए। बिल्कुल, वो सिंपल सा टेस्ट है। आप आपने रावलपिंडी से कॉल की थी तो प्लीज मिसेस हशमत बहुत करीब आपके रहती हैं, आपको सिर्फ जो है ना 20 मिनट्स की ड्राइव है, आके एक दफा दोनों मैं हमेशा कहती हूँ नॉट जस्ट द वुमन, दोनों हस्बैंड और वाइफ आके एक दफा हशमत से मिल लीजिए, आपको टेस्ट भी बता देंगे, आपको जो आगे इलाज है वो भी बता देंगे अगर जरूरत हुई तो। और दुनिया का सबसे बुरा सवाल जो मुझे लगता है जो शादीशुदा कपल से किया जाता है, बेटा खुशखबरी कब दोगे? बेटा खुशखबरी कब दोगे? वो खुशखबरी उनके लिए अजाब बन जाती है, है ना? और ये फिर आप जो है ना अजीब अजीब और परेशानी और ये एक चीज दूसरी चीज ना पूछा करें, अपने काम से काम रखा करें प्लीज, हमारे लोग नहीं रखते। बिल्कुल सही है, दूसरों के काम में हम ज्यादा रखते हैं ना, ऐसे हम लोग बहुत दूसरों के कामों के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। सच में एलर्जी का जो अभी हमने बात की कि जिनको हर साल रिकरिंग होती है, तो बड़ी प्यारी बातें बताई, एहतियात इन्होंने बहुत अच्छा बताया और लुब्रिकेशन बताई, क्योंकि हमारी अंदर की स्किन इतनी डेलिकेट है, म्यूकस मेम्ब्रेन, कि वो पार्टिकल जो हमें नजर नहीं आता वो अंदर चिपक जाता है, उसके बाद छींकें शुरू हो जाती हैं, वो छींकें इतनी बुरी होती है कि आंखों से भी पानी, नाक से भी पानी, बुरा हाल। इससे बचने के लिए हमें चाहिए कि ये क्यों होती है, जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है वो क्यों हो जाता है? ये खुराक है, ये जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये शेवर की मुर्गियाँ हैं, अंडे हैं, हर एक चीज़ इतनी बुरी हो गई। कहते हैं कि रिफाइनमेंट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। जो पुरानी चीज़ें थी, जो हमारी देसी खाने थे, आप चीनी के बजाय गुड़ इस्तेमाल करें आपको ज़्यादा फ़ायदा है, आप इस तेल के बजाय अगर देसी घी इस्तेमाल करें उसका ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन वो चीज़ें अब नहीं है। पहले हांडियाँ पकती थी डॉक्टर साहब, खुशबू सारे मोहल्ले में आती थी, अब तो पता ही नहीं चलता, अब वो जायके ही नहीं रहे, अब दूध भी टेट्रापैक में आ रहा है। जिनकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है वो सबसे ख़राब होता है। अच्छा, प्योर चीज होती नहीं, प्योर चीज होती ही नहीं है, वो भी खतरा। अब भैंस का दूध भी है उसका भी डर लगता है, वो इंजेक्शन लगाया होता है और उसे फीमेल्स को इतने नुकसान हो रहे हैं प्रेगनेंसी के, इतने मसले हो रहे हैं, चिकन वगैरह इस तरह के टीके लगा के, एसिडिटी वगैरह पता नहीं क्या कुछ उसमें, चेहरे पे बालिन को निकल आया, पेटिन का निकल आया, मूडिन का खराब है, इम्यून सिस्टम इनका, इम्यूनिटी कम है तो आपको हर बीमारी, सारे फेरिस्ट एलर्जी है, एलर्जी बीमारियों की माँ है। बिल्कुल, क्योंकि आपका इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है आपको हर एक चीज़ जल्दी लग जाती है। इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए एक तो ये बाहर के खाने छोड़ दें, ठीक, और नहीं हो सकता तो चक्की से जाए उससे आटा ले लें, ये बाजार का आटा बिना ले, क्योंकि उससे सब कुछ निकला होता है। दूसरा ये कि आप कोशिश करें कि आप सब्जियाँ खाएं, सब्जियाँ कौन खाते हैं आप? चिकन ही चिकन है डॉक्टर साहब, जहाँ हर जगह, शहद में दालचीनी का पेस्ट मिक्स करें,
شہد میں دار چینی کا پاؤڈر مکس کر کے پیسٹ بنا لیں, صبح اور شام ایک ایک چمچ خود بھی لیں, بچوں کو بھی دیں. یہ آپ کی امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتا ہے, آپ کے کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے, آپ کے ویٹ کو مینٹین کرتا ہے, آپ کے دل کو اچھا رکھتا ہے, آپ کے بلڈ پریشر کو اچھا رکھتا ہے. کتنے زیادہ فائدے ہیں اور کتنی آسان چیز ہے. اب اس میں کیا مشکل ہے؟ وہ آپ کی امیونٹی بڑھ جائے گی, امیونٹی بڑھ جائے گی تو آپ کی الرجی نہیں ہوگی. اچھا جب الرجی ہو گئی, ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا بہت ٹھیک بتایا, اس کے بعد آپ نے 20 ڈیز کا خوراک کے ذریعے کورس کرنا ہے, اپنے ڈاکٹر کو ضرور دکھانا ہے. پودینہ اینٹی الرجک ہے, تقریباً 20-30-40 پتے پودینہ, میں تو کہتی ہوں زیادہ سارا پودینہ ابالنے اور جگ بھر کے رکھنے, پانی کی جگہ پودینے کا پانی پی لیں. ایک تو اس سے اسکن صاف ہو جاتی ہے, باڈی ڈیٹاکس ہو جاتی ہے. ایک صبح نہار میں 1 گلاس پودینے کا پانی, 1 چٹکی کلونجی, 20 گرام کچا بند گوبھی, 2 ٹیبل اسپون 20 گرام ہوتے, 1 ٹیبل اسپون 10 گرام ہوتا ہے. اچھا پھر ناشتے میں آپ جو کا دلیا لے لیں, دوپہر کھانے میں کدو کا سالن, پودینے کی چٹنی, کچا پیاز, کھانے کے بعد گرین ٹی بغیر چینی کے. اچھا شہد اور دار چینی کا پیسٹ صبح شام آپ لیں, رات سوتے وقت 1 گلاس پودینے کا پانی لیں, ناک میں لوبریکیشن کریں, اور 20 دن کے بعد آپ ہمیں دعائیں دیں گے انشاءاللہ. اور یہ سب کرنا بھی ہے, اور بڑی اچھی بات کی کہ جب سیزن ختم ہو جائے اس کے 20 دن کے بعد تک جو میڈیسن ڈاکٹر ایڈوائز کی وہ جاری رکھے, پولن جمع رہتے ہیں, باہر نہیں ہوتے اندر ہوتے. سب کچھ اگر چھوڑ دے, شہد اور دارچینی کا پیسٹ نہ چھوڑے, بچوں کو بھی دے اور خود بھی لیں تاکہ آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ رہے. دیکھیں کتنا سمپل اسٹیپ ہے اور کتنی چیزوں سے یعنی اپنی جان بچا سکتے ہیں. دیکھیں استھما سے بعض لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوتی ہے, سمپل یہ چیز ہے, اتنی کاسٹلی بھی نہیں ہے اور بڑی ایزیلی بھی آپ کھا سکتے ہیں. عمل نہیں کرتے, پتہ نہیں کیا بات. بالکل, ہم پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو عمل نہیں کرتے ہیں. مجھ سے بات کھائے گی. اچھا اس کو دوائی تیار کر کے بھی دے دو, پھر بھی یہ کیا لے. اچھا چلو یہ ہم بریک میں جا رہے ہیں, بریک میں میں ڈانٹ کھا لوں پھر واپس آتی ہوں. بریک میں اس کی ابھی چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو میک دی مارننگ. مسز اشمت مجھ سے ہر بریک میں کہہ رہی ہوتی, پھر میں اگلی بریک میں جا رہی ہوں. آپ کو لگتا ہے میں آپ کو صرف اس لیے بلاتی ہوں کہ آپ مجھے بیماریوں کا حل بتائیں؟ مجھے آپ کی کمپنی نہیں پسند, میں نہیں چاہتی آپ ادھر ہی ہوں میرے ساتھ. کمپنی اتنی پسند ہے کہ میں آپ کو اپنے گھر لے جاؤں. بس دیکھیں یہ سوچ لیں, سوچ لیں میں سیریس ہو جاتی ہوں. آپ سیریس ہو جاؤ, میں شاید ٹھیک بھی ہو جاؤں. مجھے اتنی پیاری مفت میں لڑکی مفت میں ملے اور مجھے کیا چاہیے. دیکھیں ذرا, دیکھیں ذرا, ہمیں جوائن کیا ہے نمرا خان نے, ہماری بہت ہی پیاری سی ڈریس ڈیزائنر. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نمرا آپ کا ڈریس مجھے بہت پسند آیا. تھینک یو, اٹس ویری پلین اینڈ گڈ. آئی لو پلین کلوتھس, نائس کلوتھس, پلس کپڑے جنہیں استری نہ کرنا پڑے. یس, اٹس ان سٹون واش, سو ڈیفینیٹلی اس کو استری کی اتنی ضرورت نہیں. بالکل, اور آج کل اتنا مجھے, میں نے دیکھا سیمی کیژول بہت ان ہے, بہت زیادہ. تو آپ اچھا سا ایک ڈریس پہنے, ڈیسنٹ بھی لگتے ہیں آپ, زیادہ آپ کو تیار بھی نہیں ہونا پڑتا, اچھے سے آپ نے ایئرنگز. آپ کے اور مسز اشمت کے ایئرنگز آج میچ کر رہے ہیں. یس, آلموسٹ سیم. آلموسٹ ہیں, میں نے دیکھا ہے. مجھے اتنے پسند ہے نا یہ اسٹائل, اس لیے میں نے نوٹس بھی کیا. آج کل آئی ایم کریزی اباؤٹ ٹاپس اینڈ یو نو سم اسمال ایئرنگز. نہیں نہیں, بہت اچھے لگتے ہیں مجھے. جیولری کا ویسے ہی بہت زیادہ شوق ہے. وہ اور بات ہے, ذرا ریسنٹلی نصیب خراب مینشن نہیں کروں گی, لیکن تو بہت آپ کا یہ اچھا ڈریس لگ رہا ہے. آج ہم اسی طرح کے ڈریس ڈسکس کریں گے. بالکل, آج ہم دو ٹائپس آف ڈریسز ڈسکس کریں گے. ایک تو ہمارا گاؤن ہے جو کہ بہت زیادہ فلیئر کے ساتھ نہیں ہوگا, لیکن شیپ اس کی گاؤن والی ہوگی. اور ساتھ میں ہم جی اے لائن شرٹس کو ڈسکس کریں گے نیٹ میں, اور بلیک میں ہی کریں گے کیونکہ آج کل بلیک کلر یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو جب کوئی چوائس آف کلر نہیں پسند آ رہا ہوتا تو وہ بلیک نکال لیتے ہیں. بلیک بلیک آلویز سیف کلر, اچھے لگیں گے اور ہر اوکیشن پہ اچھا لگتا ہے نا. بالکل, ہمیشہ آج کل میں سے زیادہ بلیک ہی نظر آتا ہے. بالکل, ہم نے بھی بلیک پہنا. بالکل, مجھے تو بہت پسند ہے بلیک. میں تو آدھی وارڈروب بلیک ہے اور باقی مرون, کوئی کلر بیچ میں نہیں ہوتا. ہمیں جوائن کیا ہنا نے. السلام علیکم. کیسی ہیں؟ خیریت سے. خیر خیریت سے. کیا بنا رہے ہیں آج؟ نام بڑا مزے کا تھا, بیف پسندہ کری. بیف پسندہ کری, یہ پسندہ کیا مطلب؟ ڈیفینیٹلی پسند آئے گی. پسند آئیں گے نا, پسندے سے پسند آنے والے اس طرح. یہ اچھا, یہ میں آپ کے پاس آتی ہوں, پھر ہم جو ہے نا اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں نے ایک سوال کیا تھا, اس کا پلیز مجھے بتا دیجیے. آپ نے کہا تھا کہ کچھ عرصے پہلے تک کانٹیکٹ میرے اپنے ڈاکٹر سے, تو وہ جو الرجی کے سیزن سے پہلے والا کانٹیکٹ ہوتا ہے اس میں بھی دوائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ جو الرجی کا جو اٹیک ہوتا ہے نا وہ سیویئر نہ ہو یا ہو ہی نہ, تو میڈیسن پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں.
और बाद में भी आपने लेनी है, खत्म होने के बाद भी, जब सीजन खत्म हो, ताकि फिर आइंदा के लिए फिर आपको बहुत बेहतरी हो जाती है इंशाल्लाह। और इस वाले जी भी कहूँगा कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पिम्स में इमरजेंसी में हमने पोलन एलर्जी सेंटर खोल लिया है, 24 घंटे वो खुला हुआ, कोई भी लामते हो, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, सांस लेने मुश्किल हो, वहाँ पर नेबुलाइजर लगाए हैं सांस की नाली खोलने के लिए, 40 के करीब पूरे अस्पताल में 200 से ज़ायद हमने लगा दिए, 24 घंटे ऑक्सीजन और सांस देने की जो चीज़ें हर वक्त अवेलेबल हैं और फ्रीली अवेलेबल हैं, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, जो भी आए वहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट हम उनको दे रहे हैं इमरजेंसी में। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और लोगों को इसका पता होना चाहिए, क्योंकि आपको वेट नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है आपकी सांस बंद हो रही है, नहीं आ रही, दुश्वारी है सांस लेने में, तो फौरन जो है ना, एक तो जिनको भी आज उनको घर पर नेबुलाइजर रखना ही रखना चाहिए, बिल्कुल, और वरना आपके पास इतनी अच्छी सर्विस है तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। अच्छा, राबिया शेखोपुरा से पूछती हैं, मेरी आँख के ऊपर एक दाना निकल आया है, इसमें काफ़ी दर्द होता है और जुकाम भी हो गया है जो ठीक नहीं हो रहा। उनका आपस में तो कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि क्या है। मुश्किल है लेकिन बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। प्याज एंटीबायोटिक भी है, एंटीसेप्टिक भी है, एंटीवायरल भी है, अगर उसका सुरमे की तरह उसमें डिबो के प्याज में और आँख में लगा लें, 2-3 दफा लगाए, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, ये स्टाई ही होगा ना जो आँख के ऊपर निकला है। और तौलिया मत शेयर किया करें, अपना फेस जो है वो तौलिए से मत साफ किया करें, ये मैं हर किसी को कहती हूँ। प्लीज आप हाथ भी तौलिए और तौलिया चेंज किया करें। लोगों के घर में हफ्ते हफ्ते वही तौलिया पड़ा हुआ होता है, तौलिया कॉन्स्टेंटली चेंज करें, स्पेशली अगर ज्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं, ये गंदगी से ही होता है। एग्जैक्टली, हाँ जी। तो ये एक जो है, और दूसरा इन्होंने बताया जुकाम हो गया है, जुकाम के लिए व्यवस्था आप बता दें। जुकाम की वो देखने की वजह क्या है, इसी सीजन में होता है, हर साल होता है, खांसी नज़ला भी साथ है, तो उसके लिए एंटी एलर्जी लें, अगर बुखार उखार है, अगर इन्फेक्शन है, फिर साथ एंटीबायोटिक ले लें और प्रॉपर डॉक्टर से इलाज कराएं, ज़्यादा और चक्करों में नहीं पड़ना, प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर देखें, वो देखो खुद ही पता चलता है ये चीज़ हुई है इसलिए मसला हुआ है, धुएँ से हो गया, स्मोकिंग से हो गया, कोई और मसला है, कोई खाने पीने से हो गया, तो ये तमाम चीज़ें खुद ही बंदे को चल जाता है कि मुझे किस चीज़ से उसको अवॉइड करना है, ठीक है, और साथ जो प्रॉपर ज़्यादा एंटी एलर्जी मेडिसिन लेते हैं उससे ठीक हो जाते हैं, उससे ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, राबिया कश्मीर से पूछ रही, मेरी बेटी 11 माह की हो चुकी है, दांत नहीं निकाल रही और अभी तक चलना भी शुरू नहीं किया, सिर्फ बैठ सकती है और क्रॉल कर लेती है। इसकी गज़ा पे तवज्जो दें, और बच्चा कभी कभी 2 साल तक भी नहीं चलता, ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्रॉल भी करेगी, उसके दांत भी निकलेंगे, लेकिन उसकी गज़ा पे तवज्जो दें, जो हम खाते हैं वही हम होते हैं, ठीक निकल आएंगे। और दांतों के लिए स्पेशली बादाम रात को भिगो लें, सुबह छील कर पीस लें, जितना बादाम का पेस्ट है इतना उसमें मक्खन मिक्स कर लें, पेस्ट बना के, पेस्ट बना लें, सुबह शाम आधी चम्मच से शुरू कर लें, हाइट भी बढ़ेगी, स्किन भी अच्छी रहेगी, उसको कैल्शियम भी मिलेगा, उसके दांत भी निकलेंगे और सेहत भी ठीक रहेगी, सेहत भी ठीक रहेगी, और परेशान नहीं होना इंशाल्लाह। कुछ बच्चे ज़रा लेट ब्लूमर होते हैं, लेट चलना शुरू होते हैं। तो अच्छा, निगत लाड़काना से पूछते हैं, मेरी ज़ुबान बहुत ज़्यादा पक चुकी है, इस पर छाले निकल आए हैं और दांत मसूड़ों में भी काफ़ी दर्द है। ज़बान क्यों पकती है? ज़्यादातर ज़बान पकती है जब विटामिन B12 की डिफिशेंसी हो जाती है। और ये क्यों कम होता है हमारी बॉडी में? जब हम ज़्यादा गुस्सा करते हैं, हम ज़्यादा परेशानी करते हैं, ये माइंड की बात है सारी, तो आप थोड़ा स्ट्रेस से बचें, रिलैक्स रहें, और जब आपकी ज़बान पक जाए, आधा कप सिरका, आधा कप पानी मिक्स करके उसकी गुलियाँ कर लें, वो लोकल ट्रीटमेंट है, थोड़ा सा आपकी सफाई हो जाती है। और अगर छाले हैं तो मेहंदी के पत्ते, ये भी एंटीसेप्टिक होता है, उबाल लें, उसमें इस होल का छिलका मिक्स करके पेस्ट बना लें, वो पेस्ट मुंह में रख लें, अगर निगल गए तो भी कोई बात नहीं, आपकी ज़बान इतनी जल्दी ठीक हो जाएगी, साथ में बी कम्प्लेक्स शुरू कर लें। डॉक्टर साहब आप बताना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, उसमें जिस तरह बताया बी कम्प्लेक्स की कमी है, बाज़ का फोलिक एसिड की कमी है, बाज़ मेदी की तजाबी से भी हो जाता है, वो पूरा एग्जामिनेशन के बाद ही होता है, लेकिन लोकल बाज़ का फंगस इन्फेक्शन भी हो जाता है, बुखार से भी छाले निकलते हैं, बुखार से भी निकलाते हैं, मेडिसिन से भी निकलाते हैं, गलत मेडिसिन भी इस्तेमाल की हो, तो उसमें जो भी चीज़ है उसको अवॉइड करें, जिस चीज़ से मसला होता है, तजाबियत है तो बड़ा गोश्त, चटपटी चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें, बाजार के जूस, बर्गर, समोसे, चिप्स, पिज्जा, इनसे आपने बचना है। हाँ, फ्रेश करें, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, नीम गर्म इस्तेमाल करें, और लोकल जो है अद्वियात मिलती हैं जिसमें एंटी फंगल भी होती हैं, दूसरी भी होती है, एंटीबैक्टीरियल भी, तो वो यूज़ करें तो उससे इंशाल्लाह ताला ठीक हो। साथ जिस तरह मैडम ने बताया बी कम्प्लेक्स की कमी, उसकी मेडिसिन भी साथ ले लें तो ठीक हो जाता है इंशाल्लाह ताला, कोई टेंशन। अच्छा, हम बाहर के खाने बार बार मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो इससे मुझे मतलब मैं रियलाइज़ कर रही थी कल कि हमारे लिए जब हम छोटे थे तो होटलिंग एक बहुत बड़ा इवेंट होता था,
कि हम हर हफ्ते तो नहीं जाते थे, महीने में दो दफा जो है कभार, बड़ी कभी कभार, और वो भी मतलब चले अब वीकेंड है तो अब हम जा रहे हैं, और हर वीकेंड में भी नहीं, वो मतलब एक वीकेंड छोड़ के एक वीकेंड कभी चले गए, फिर पूरी फैमिली साथ चली गई, खाना खा लिया, और बड़ा मज़ा आता था कि अच्छा आज हम बाहर खाना खाने जाएंगे, वरना घर पे खाना बनता था वही खाना होता था। और आजकल कोई रेस्टोरेंट खाली नहीं होता, मतलब होटलिंग इतनी आम हो गई, हालांकि हम अपेरेंटली ज़्यादा गरीब हो गए हैं तब से अब तक, ठीक है अपेरेंटली, लेकिन होटलिंग आम हो गई है, और हर बंदा किसी भी उससे हो मतलब सोशल स्टेटस उसका जो भी है, वो कहीं ना कहीं अपनी इस्तेदात के मुताबिक जो है बाहर ही खाना खा रहा है। तो चाहे वो आप ढाबे देख लें, चाहे आप वो फाइन डाइनिंग देख लें, चाहे आप कैफेज देख लें, चाहे रेस्टोरेंट्स देख लें, हर जगह आपको यंगस्टर्स, बड़े बूढ़े, बच्चे, जगह नहीं होती है, नजर आ रहे होते हैं, बिल्कुल कहीं आपको बुकिंग करानी पड़ती है, जगह नहीं मिलती, और ये ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं था, ये पता नहीं कब, और ये बहुत बुरा ट्रेंड है डॉक्टर साहब, एच पाइलोरी हर तीसरे बंदे को है, ये जरासीम हमें होटल के खानों से मिलता है, हेल्दी चीज़ नहीं है, एक तेल में आप कितना पका रहे हैं आपको क्या पता है उनकी किचन का क्या हाल है, बिल्कुल इवन 5 स्टार में चले जाएं किचन सबके एक जैसे होते हैं, बिल्कुल सब हमारे बंदे हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल, लेकिन हमारे सामने बड़ी साफ सुथरी और खूबसूरत चीजें आ जाती हैं, हिना को देखिए ना कह रही नहीं 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 आपकी बात नहीं कर रहे, हमारा बहुत साफ किचन है, मैंने 2 5 स्टार में काम किया, प्लीज ऐसे मत बोले, अच्छे से साफ से किचन, हमारे किचन 100% साफ, बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ, आपको पता है अक्सर कैंटोनमेंट वाले आ जाते हैं, अक्सर फूड अथॉरिटी वाले आते हैं, कैंटोनमेंट वाले वो जानने वाले भी हमारे होटल में जब मैं खड़ी हुई होती हूँ माँ को बोलो तो कहते हैं कि हमें किचन देखना है, कुछ बच्चे होते हैं फिर हम उनको परमिशन लेके ना सिक्योरिटी से विजिट कराते हैं किचन का, अच्छा अगर हमारा किचन अच्छा ना हो तो हम कैसे कराएंगे, आप ये बताएं, हर एक अपना डिफेंस जानता है, लेकिन ये मेन तो केमिकल एग्जामिनेशन के बाद पता चलता है कि जरासीम है या नहीं, देखते हुए सफाई भी है तब भी जरासीम तो नजर नहीं आता, कोड़ों के बाद जरासीम होने लगता है, बात ये है एक माँ जो करती है, एक माँ जो खाना बनाती है वो शेफ नहीं बनाता, वो इतने बड़े स्केल पे बनाता है, अपने माँ अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करती है, लेकिन इतने लार्ज स्केल पे मुमकिन नहीं है, और खुदा करे मुमकिन हो जाए, जगह भी साफ हो, बर्तन भी साफ हो, चलो खाना अच्छा पक गया बिल्कुल सही है, बर्तन साफ नहीं तब भी आपको मसला हो जाएगा, पानी साफ नहीं तब भी मसला, खाना बिल्कुल ठीक बना है, एवन बन गया, पानी सही नहीं तो मसला तो होगा ना, वॉमिटिंग, डायरिया और हेपेटाइटिस ए, एज अ टाइफाइड, पैराटाइफाइड, अच्छा डॉक्टर साहब हम जो इतना ज्यादा खाना फ्राई और पकाते शकाते उसमें मर नहीं जाता वो सब कुछ, मैं अक्सर लोगों का डिफेंस ये होता है, मैं कभी कहूँ ना कि नलके का पानी मत डालो, मिनरल पानी डालो बनाने के लिए, तो हम इतना पकाते हैं, पाकिस्तानी तो इतना पकाते हैं सब मर जाता है, ऐसे ही है ना, लेकिन देखो जब वो डाल देते हैं बर्तन में उसके बाद जब कूल डाउन तो हो जाता है ना, उसके बाद फिर आप, आपकी हाथ अगर साफ नहीं है पहले जमाने में माएं बच्चों को पका के देती थी, सेहत ठीक रहती थी क्योंकि माँ से बढ़कर तो कोई रिश्ता नहीं है जो आपके सेहत का ख्याल करे, लेकिन अब ट्रेंड इतना बुरा हो गया, पहले मायूब बात समझी जाती थी कि फलाने ने होटल में खाना खाया, घर में नहीं खिला सकते थे, अब कहते ले घर में खाना खिला भी कोई बात हुई, बाहर नहीं लेके जा सकते, बिल्कुल सही बात है, ये ऐसे ही है, ये थोड़ी सी घरदारी से ना हम अलग हो गए हैं, लेकिन ये बात मुझे वाकई नहीं समझ आती, हुए हम लोग एक कैफे में गए, हमारे तो इजाजतों के इतने मसले होते थे निम्र, बिल्कुल बर्थडे पे भी जाना हो तो 10 माओं से पहले बात होती थी आपकी, आप होंगी वहाँ पे, कोई बड़ा होगा वहाँ पे, अच्छा फिर उतनी पॉकेट में नहीं मिलती थी जितना जाके, और ये मैं कोई छोटी नहीं होता पता, मुझे याद है कि हम मैं मैट्रिक में थी, बिल्कुल मैट्रिक, और दोस्त की एक बर्थडे थी और हम लोगों ने सेलिब्रेट भी एक फास्ट फूड में किया, सबके पास अपनी अपनी पॉकेट मनी, और वहाँ पर भी एक बड़ा जो है ना हमारा शैपरन साथ में होता था जो देख रहे, उस दिन हम एक कैफे में गए, छोटे छोटे 2 बच्चे आए हुए, बहुत छोटे लिटरली, और वो बैठ के खाना खा रहे, खुद उन्होंने पेमेंट की, एटीएम कार्ड दिया और निकल गए, और मैं बस हैरान परेशान, हमने तो दुनिया देखी नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, अफसोस कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, सारे जुल्म अपने बच्चों पे करूंगी अब मैं। अच्छा अगला सवाल आलिया खुशाब से पूछ रही है, मेरी उम्र 55 साल है, ये लिखा है इन्होंने, ठीक है, इनकी उम्र 55 साल है, इनको पिछले 2 हफ्ते से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, UTI हो गया है, साथ ही पेट में स्वेलिंग भी हो गई है, इसके लिए क्या करना चाहिए? UTI सबसे बुरी चीज़ है और इसको कभी भी लाइट नहीं लेना चाहिए, और अगर रिपीट होता है तो ये गुर्दे तक की बीमारियां बन जाती हैं इससे। अच्छा, दर्जीनी बेहतरीन चीज़ है UTI के लिए, डॉक्टर से जाए अपना इलाज करें, अगर इसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत हो वो खुद उनको लिख कर देंगे, लेकिन हमारी तरफ से
एक कप जो बेहतरीन डायोरेटिक है, तीन जग पानी, तीन डंडी कद्दू, ये कद्दू की जो डंडी है ये ज़ाया नहीं करना, ये हमारे गुर्दे का फिल्टर तक साफ कर लेती है, गुर्दा एक फिल्टर ही है। एक कप जो, तीन जग पानी, तीन डंडी कद्दू, तीन इंच अदरक, अदरक भी बेहतरीन डायोरेटिक है और एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक भी है, और अनार का छिलका, एक चम्मच दालचीनी का पाउडर, ये उबाल लें, दो जग पानी इसका बना लें, उसमें चार चम्मच एप्पल साइडर विनीगर, चार चम्मच शहद के मिक्स कर लें, सारा दिन में ख़त्म कर लें, एक हफ्ता ये करें, पेट की स्वेलिंग तो किया, बॉडी सारी डिटॉक्स हो जाएगी बिल्कुल। और फिर आपने पानी जो है वो साथ साथ ज़्यादा पीते रहना है, उसकी भी आपने कमी नहीं करनी है ताकि दोबारा ये इन्फेक्शन ना हो। मैं ज़रा किचन में जाऊँगी, हमने बाहर के खानों की बात की है तो दिल पे लग गई है ना। खाना अच्छा होगा, उसे तो बर्तन साफ ना हो। क्या बना रहे हैं आज? हम बना रहे हैं पाकिस्तानी खाना है, बीफ पसंदा करी। क्या पसंदा करी? पसंदे करी, पसंदा नाम है। मेरी आवाज देखिए जा रही है, शो के एंड तक नहीं होगी। नहीं नहीं, साइलेंट भी होंगे तो लोग देखेंगे आपको। अब मैं जरा चुप होती हूँ, अब आप बताइए क्या कुछ है इसके अंदर। अच्छा, हमने आई थिंक छोटी सी ब्रेक पे जाने, ब्रेक के बाद वापस आके आपको बताएंगे। सिर्फ ये पसंदे दिखा दीजिए, ये चले। हाँ, पसंदे कहाँ से दिखाएं आपको? ये गोश्त है, गोश्त है बीफ। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये बीफ के स्लाइस हैं, और अगर आप यहाँ से देखिए तो ये इस तरह से कटे हुए होते हैं। मैंने इनको थोड़ा बॉयल किया हुआ है, मेरी मजबूरी थी, हमारे पास टाइम कम होता है, लेकिन आपने इसको बॉयल नहीं करना, तो जब अगर आप बॉयल नहीं करेंगे ना तो ये काफी बड़े बड़े होंगे। यानी कि आपने बीफ का एक बड़ा सा पीस लिया और आपने उसको बारीक बारीक पतला पतला कटवा लिया। अगर पतला नहीं आप काट रहे, खुद काट रहे हैं, तो आप उसको, अगर आपके घर पे हैमर है, वो कील वाली, घर वाली नहीं, जो आपके किचन में टूल यूज होता है, उससे आप इसको पतला कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास वो डिटेल ब्रेक के बाद बताऊंगा। ओके, अभी नहीं बताऊंगी, ब्रेक के बाद बताऊंगा, छोटी सी ब्रेक के टाइम। ये आ जाए तो ये मेरे पास है एक कप दही, सॉरी दूध। ये दूध है, ये सबसे आखिर में डलेगा रेसिपी के, सबसे लास्ट पे इसको लगाएंगे, ग्रेवी के लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास ये एक कप दही पड़ा है। मैंने आपको बताया कि एक कप दही में एक आपने दरमियानी प्याज ब्राउन करके आपने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके पेस्ट बना लेना है, तो ये हम इस्तेमाल करेंगे। फिर मेरे पास यहाँ पर है खशखाश। खशखाश आपको नज़र आ रही, मैंने पानी में भिगोई हुई है क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। ये हम एक टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे, और हम ये तब इस्तेमाल करेंगे जब हम नमक मिर्च सब मसाला डालेंगे। हम इसको साथ ही प्याज के साथ और दही के साथ खशखाश, नमक, मिर्चें सब कुछ इकट्ठा ही डाल के ग्राइंड कर लेंगे। बस ये आपने एक टेबल स्पून डालनी है। बीफ मेरे पास एक पाव है, ये बीफ का ही मज़े का बनेगा सालन। अगर आप चाहें तो चिकन में बना सकते हैं, आपने उसको भी बोनलेस करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अदरक और हरी मिर्चें हैं, ये थोड़ी सी हम बीच में डालेंगे, थोड़ी सी हम ऊपर गार्निश में इस्तेमाल करेंगे। ये तो आपकी मेन लवाजमात हो गए, बस इतनी सी चीज़ें हैं। अब आपके घर पर ये सारी चीज़ें होंगी, आई थिंक खशखाश भी होगी, ये कोई इतनी महंगी नहीं है, 30-40 रुपये का पैकेट मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे बॉक्स में आपको नज़र आ रहा है नमक मिर्चें। नमक डलेगा इसमें एक टेबल स्पून, या आपकी मर्ज़ी पर जितना आपको पसंद है। फिर मेरे पास यहाँ पे रोस्टेड ज़ीरा है, ज़ीरा जो मैं तवे पे भून के रखती हूँ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं हमेशा इसको भून के रखती हूँ, किसी भी खाने के लिए बहुत मज़े का लगता है। ये हम एक टेबल स्पून डालेंगे, ज़्यादा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर हमारे पास आ जाएगी लाल मिर्च पिसी हुई, ये आप हाफ टी स्पून डालिएगा, ज़्यादा ना डालिएगा क्योंकि हम इसके अंदर आगे अगर आ पाएँ तो हमारे पास ये गोल वाली मिर्चें, इसको भी हम जायके के लिए इस्तेमाल करेंगे, और ये हम 3 से 4 इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर हमारे पास है ज़ीरा, सॉरी गरम मसाला, ये हम 1 टीस्पून ये भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये भी इस्तेमाल होगा, लाल मिर्चें भी होंगी तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, तो आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है ना, तो फिर आप इसको अपने हिसाब से डालिएगा, वरना आप ये इसको स्पाइसी कर सकते हैं। ज़रा सी हल्दी इस्तेमाल होगी, और ये बीफ जो मैंने आपको बताया जो पसंदे हैं, ये मैंने इस तरह से रखे हुए हैं। अगर आप चाहें तो इसको बॉयल ना कीजिएगा, मैंने तो वक्त की कमी की वजह से बॉयल किया है। अब सबसे पहले तो हम इसमें ऑयल डालेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और उसके साथ साथ मैंने आपको कहा कि हमने ग्राइंड करना है, तो हम इसमें दही, थोड़ा पानी, और ये जो मेरे पास प्याज है ब्राउन की हुई, हम ये डाल देंगे। अब ये मेरे पास एक पाव अगर ये बीफ है, कच्चा ही लीजिएगा आप, क्योंकि आप जब भुनाई करेंगे तो बड़ा अच्छा सेट हो जाएगा। और इसमें ये एक कप दही चली गई, जबरदस्त।
تھوڑا سا ہم پانی استعمال کر لیں گے تاکہ ذرا اچھا پیسٹ بن جائے. امید ہے کہ سب چیزیں آپ کے گھر پر اویلیبل ہوں گی, اور اگر نہیں ہے تو آپ کل یہ کھانا بنا سکتے ہیں, کیونکہ بنتے تو ہمارے یہاں زیادہ تر پاکستانی کھانے ہی ہیں, تو یہ ایسے کھانے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں. اس کو آپ نان کے ساتھ, چاولوں کے ساتھ گرائنڈ کیوں کرنا ہے؟ یہ جو ہم گرائنڈ کرنے سے نا اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہو جائے گا. ایک تو یہ دانے دار سا ہو جائے گا, اور یہ اس کا ٹیکسچر چینج ہو جائے گا. اگر آپ گرائنڈ نہیں کرنا چاہ رہے نا, پھر آپ اس کو کوٹ لیں بے شک, لیکن یہ آپ لازمی کریں, پھر اس سے ذرا مزے کا بن جائے گا. یہ میں جو آپ کو میں نے کہا کہ یہ خشخاش ہے, یہ میں ساتھ ہی ڈال دیتی ہوں. ٹھیک ہے, سب کچھ یکجان ہو جائے گا تو ذرا اچھا مزے کا بن جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ ہم نے جب لہسن ادرک ڈالیں گے تو ہم پہلے بیف ڈالیں گے. جب کچا بیف ہوگا تو ظاہر ہے ہم نے اس کو پکانا بھی ہے, ہم نے اس کو بھوننا بھی ہے. ٹھیک, تو ہم پہلے لہسن ادرک ڈال کے ہم بیف ڈالیں گے, اور اس کے بعد ہم ساری باقی چیزیں ڈالیں گے. یہ جب تک گرائنڈ ہوتا ہے ساتھ میں میں, اب آپ دیکھیے گا کہ یہ پیسٹ سا بن جائے گا نا, تو یہ گریوی اچھی بن جائے گی اس سے. اس کے بعد ریسیپی آسان ہے, مجھے ریسیپی بالکل آسان ہے, جھٹ پٹ بننے والی ہے. ٹھیک ہے, اگلا سوال بھی کھانے سے ریلیٹڈ ہے اور چٹ پٹے کھانے سے ریلیٹڈ ہے. اچھا, اگر مہمان آ رہے ہیں نا آپ کے گھر, تو آپ بھی اس طرح سے اس کو جس طرح میں نے اس کو کیا ہے پہلے سے پری بوائل کر کے آپ رکھ لیں, اور آپ اس کے ساتھ جلدی جلدی کام ہو جائے گا آپ کا. اگلا سوال جو ہے وہ ہمارا کھانے سے ریلیٹڈ ہے. مس رشمت, راشدہ چکوال سے پوچھ رہی ہے, بد ہضمی کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کم کھائیں کے لیے اپنی خوراک دہی چٹنی سالن نہ کھائیں. اچھا, دہی اور چٹنی, ڈائجیشن بالکل ختم ہو جائے. دہی تو کھانا ہے نا, دہی کھا لے, چائے پی, مطلب سالن نہ کھائیں. سالن نہ کھائیں, مسالے نہ کھائیں. ہاں, تین دن کے لیے. تین دن, دوسرے دن اس کو بھوک لگے گی, ڈائجیشن ٹھیک ہوگی, لیکن تیسرا دن سیفٹی کے لیے. سیفٹی کے لیے. اچھا, جب ہو رہا ہوتا ہے ایسڈ ریفلکس اس وقت, تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی اس میں میڈیسن بھی ہوتی ہے ایسڈ کو کم کرنے کی, وہ بھی ہو جاتی ہے, لیکن پہلے اپنے دیکھنا ہے کہ وجہ کیا ہے. ٹھیک, بڑا گوشت, چٹپٹی چیزیں, مسالے والی چیزیں, یہ بازار کے جوس, یا فوراً لیٹ جانا کھانے کے بعد, وہ لیٹ جانا, سر پراپر پانی کا استعمال نہیں, پراپر اچھی طرح چبا کے نہ کھانا, زیادہ کھانا, یہ تمام چیزیں آپ کو جو تذابیر کا باعث بنتی ہے اور کھانے میں آپ کو مشکل ہوتی ہے. سمپل سے اسٹیپ ہیں, جو چیز صحت کے لیے ٹھیک ہے, سبزی میں, پھل میں, روٹی ابلے, چاول, دال, دودھ, دہی, لسی, جو آپ کو سوٹ کرتا ہے, ابلی ابلا گوشت, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرے. ایک زیادہ ابلی چیزیں کھائیں, چٹپٹی چیزیں, مسالے والی چیزیں اوائڈ کریں, زیادہ سبزی پھل پہ آپ اچھی طرح چبا کے, لائف اسٹائل ٹھیک رکھیں, واک شاک رکھیں, کوئی نہ کوئی ایکسرسائز بھی رکھیں, تاکہ فزیکل مینٹل فٹنس بھی ہوگی, تو آٹومیٹکلی آپ کی تذابیت بھی کافی بہتر ہوگی. اور دہی میں سفید زیرہ ڈال کے وہ کھا لیں, اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک چھوٹی سی ٹپ جو میں نے آزمائی ہے, جو کبھی کام کرتی ہے اور کبھی کبھی نہیں کرتی ویسے آنیسٹلی, کہ ٹھنڈا دودھ, تین چار گھونٹ اگر آپ ٹھنڈا دودھ پی لیں فریج سے نکال کے, اس سے بھی آپ کی جو ہے نا وہ ریفلکس تھوڑا سا کسی کو اسی وقت تذابیت کم ہو جاتی ہے, بعد میں کسی کو ایک دو گھنٹے میں دوبارہ تذابیت زیادہ ہو جاتی ہے. ہاں, مجھے لگتا ہے جن لوگوں کو یہ کرونک تذابیت ہے نا, کہ انہیں ہر وقت رہتی ہے, ان کے ہاضمے میں مسئلہ ہے, ان کے لیے چیز کام نہیں کرتی. جن کو کبھی کبھار کوئی الٹا سیدھا کھانا کھا لیا یا فوراً واک نہیں کی, لیٹ گئے, ان کے لیے چیز کام کر جاتی ہے. کیونکہ اچھا سندس جی جی, آئل ڈالا, لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا, جیسے گھر پہ آپ لوگ ڈالتے ہیں بنا, اس کو براؤن کرتے ہیں, اسی طریقے سے آپ تھوڑا پیچھے ہی رہیں کیونکہ اڑے گا. اور پھر میں نے جو بیف تھا, آپ سمجھیں کہ کچا بیف ہے, تو آپ نے اس کو اس طرح سے ایڈ کر دیا. اب میں اس میں ڈالوں گی, مرضی پہ آپ کی نمک ہے, ٹھیک ہے, جتنا آپ کو پسند ہے. اس کے بعد زیرہ آ جائے گا, اس کے بعد آپ کے چوائس پہ ہے لال مرچ, جتنا آپ کو چاہیے, اس کے بعد تھوڑی سی موٹی مرچیں, اور میرے پاس یہ ہے گرم مسالہ, یہ میں نے بھر کے ایک ٹیبل اسپون ڈال دیا, اور تھوڑی سی ہلدی. اب یہ سب تو وہی مسالے ہیں جو آپ کے گھر پر ہیں, کوئی بھی چیز آپ کے پاس نہیں ایسی جو باہر سے لانی ہے, سوائے ایک خشخاش کے. اور عموماً جن کے گھر میں کوفتے پکتے ہیں, وہ لوگ خشخاش کا بہت استعمال کرتے ہیں, تو ان کے گھر پہ یقیناً ہوگی. اور یہ نہ بھی ہو تو کوئی اتنی مہنگی آئٹم تو ہے نہیں کہ آپ کو اس لیے بہت مہنگا کرنا ہے. اب یہ جو میں نے بھونا ہوا تھا, چونکہ میں نے پہلے سے بوائل کیا ہوا ہے, تو میں نے اس لیے اس میں ہمیں ٹائم نہیں لگ رہا, ورنہ آپ نے اس کو تب تک گلانا ہے, پانی ڈالنا ہے جتنا کہ یہ آپ کا گوشت گل جائے. یہ بیف میں بنا رہے ہیں تو ظاہر آپ کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگانا پڑے گا, چکن میں بنائیں گے تو ذرا کم ٹائم ہوگا, تو اس لحاظ سے آپ نے تھوڑا پانی ڈال کے اس کو آپ نے دم پہ رکھنا ہے تاکہ اچھا سا گل جائے. جتنا اچھا گلا ہوگا ظاہر سی بات ہے اتنا ہی مزے کا بنے گا. تو یہ اچھے ہم لوگ پہلے سے بوائل کر کے رکھا ہوا ہے نا, تاکہ ٹائم لگ جائے. بالکل, اور یہ آپ کا پیسٹ چلا گیا اس کے اندر, اور چونکہ جو دہی میں نے ڈال دیا اس کے اندر ہی, دہی اور پیاز اور خشخاش,
अब ये एक पेस्ट हो गया कि यकजान हो गया। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप इसको प्याज को ब्राउन करके इसको आप कूट भी सकते हैं, और अगर वो भी नहीं करना चाह रहे तो आप प्याज को ग्राइंड ना करें, आप इसको उबाल लें। ब्राउन करने के बाद आप इसको अच्छे से उबाल लें, और उबालने के बाद आप इसको, हाँ, पेस्ट बनाने का मकसद ये है कि ये ग्रेवी जो है ना इसके मुंह में आपके जो है ना प्याज ना आए। कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक, मुझे मिसेस अशमत से बात करनी है। जी 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 कीजिए। जी मुझे मिसेस अशमत से पूछना है, मेरा बेटा है 18 ईयर्स ओल्ड, उसको जॉइंडस हुआ है, तो अब 3 हफ्ते हो गए हैं उसको, तो उसको कब तक एहतियात करनी है, उसको क्या क्या देना है खाने को? मुझे ये बताएं उसका SGPT कितना है? उसका 1400 था पहले, फिर अब सही हो गया उसका ना। अच्छा, 500 पे आ गया। अच्छा 500 पे आ गया, अभी भी बहुत ज्यादा है। अच्छा हम आपको आने का जवाब देते हैं। और मेरा भी एक और भी मसला है, मेरी 45 है, तो मुझे पीरियड्स का मसला इरेगुलर हुए हैं 1.5 साल से ना, 6 महीने होते नहीं होते हैं, तो फिर एक एक महीना पूरा मतलब हो जाता है इस तरह, तो मेरे लिए भी कुछ बता दें। अच्छा आपका तो खैर मैं आप बंद करें, हम आपको जवाब दें। इनका तो मसला मेनोपॉज का है, वो कभी इरेगुलर हो जाएंगे, कभी जल्दी आएंगे, कभी ज़्यादा आएंगे, कभी कम आएंगे, कभी आपको हॉट फ्लैशेज होंगे, कभी आपको पसीना आएगा, घबराहट होगी। तो इस उम्र में मैं हमेशा ऐसे ख़वातीन की मियाँ को कहती हूँ कि अब तक आपको बर्दाश्त किया, अब आप अपनी बीवी को बर्दाश्त करें। बहुत पसंद आई मुझे बात, वाह मैं बड़ी पसंद आई। और आपने वॉक ज़रूर करनी है, वॉक ज़रूर करनी है, क्योंकि ये जो हार्मोन हमारी बॉडी में ख़त्म हो रहा है उसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, जो इंसान थोड़ा सा डिप्रेस होता है। अब अगर आप मेंटली ऑक्यूपाइड है तो आपको अपने मेनोपॉज की पीरियड का पता ही नहीं चलेगा, गुजर जाएगा, और अगर आप फॉरेग हैं तो आपको डिप्रेशन महसूस होगी। आपका तो जवाब हो गया। दूसरा आपके बेटे का ALT अभी भी बहुत ज़्यादा है, फैट फ्री डाइट इनको दें, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। खुराक में इसका इलाज जो है, इमली एक हिस्सा, आलू बुखारा 2 हिस्से, गुड़ हसबे जायका, ये उबालें, अच्छी तरह मसल के छान लें, तमाम दिन में जितना हो सके आप इनको दें। सिट्रस फ्रूट है, खरबूजा है, अभी तरबूज आ रहा है, वो आप जितना खिलाएं, बस एक चीज़ का परहेज करें, फैट फ्री डाइट हो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, और ज़्यादा एक्सर्शन ना करें। रेस्ट करना है आपको। छोटी सी ब्रेक के टाइम हुआ है, हमने इसको भी दम पे लगा दिया, थोड़ा सा और गल जाए, मजीद गल जाए, और फिर आखिर में अगर आपके पास टाइम हो तो मैं दिखाऊंगी, जो मेरे पास 1 कप दूध पड़ा हुआ है, तो आपकी मर्जी आपने इसकी ग्रेवी कितनी रखनी है। थोड़ा सा ग्रेवी वाला होगा तो नान के साथ अच्छा मजे का लगता है, खुश मत कीजिएगा। लास्ट में हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और ग्रेवी को सेट करेंगे। ठीक है जबरदस्त, छोटी सी ब्रेक के टाइम में ब्रेक करना सारे। बिल्कुल, एक्चुअली आज का ड्रेस हमारा काफ़ी बजट के अंदर फिट भी होता है। इसमें मैंने रॉ सिल्क यूज़ की है, लोग रॉ सिल्क के मोस्टली ट्राउजर्स बनाते हैं, और आजकल तो शर्ट्स भी चल रही हैं कुर्ता स्टाइल में, जैसे कि आज आपने भी कैरी किया हुआ है। तो उसमें यह है कि मैंने ये गाउन की शेप दी है, इट्स नॉट विद फ्लेयर, क्योंकि रॉ सिल्क में आप फ्लेयर दे नहीं सकते, क्योंकि कपड़ा फ्लिम्सी नहीं है, कपड़ा थोड़ा सा स्टिफ है, लेकिन ओवरऑल इसकी प्रेस बहुत अच्छी होती है रॉ सिल्क की। तो ये बेसिकली मैंने गाउन शेप में, ए लाइन की शेप में आप देख सकते हैं, नीचे तक मैंने इसको लेंथ दिया है, और ऊपर मैंने बहुत सी कॉमन सी जो लेस होती है, पर्ल्स चूंकि आजकल काफ़ी इन है, तो वो मैंने यूज़ किए हैं, और पैनल्स की शेप में मैंने पर्ल्स की लेस को एक सीक्वेंस दे दिया है, साथ में वी बना दिया ताकि आपकी वेस्ट की थोड़ी सी शेप भी आ जाए, और इस तरीके से आप कोई ना कोई डिज़ाइनिंग कर सकते हैं विद पर्ल्स लेसेज एंड एक्सेट्रा, काम भी हो सकता है, लेकिन जो चीज़ बजट में फिट होती है फिर उसमें भी क्रिएटिव आइडियाज़ आपके पास बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट फॉर अ ब्राइडल शावर। बिल्कुल ऐसा ही है, इवन फॉर द बर्थडे लुक, दिस इज़ फॉर द बर्थडे लुक। आप हेड टू टो आप देख लें, बाल भी आपने बहुत अच्छे से सॉफ्ट सा आपने पिंक में मेकअप कर लें, और कर्ल्स दे दें, इसके साथ ज़्यादा ज्वेलरी की भी जरूरत नहीं है, छोटे से आप टॉप्स पहन सकते हैं, अदर देन दैट दिस आउटफिट विल लुक गुड, बहुत सिंपल लुक में भी अच्छा लगेगा। दिस लुक्स वेरी नाइस, आपके बाल भी माशाल्लाह इतने प्यारे बने हुए, साथ में खुद भी बड़ी अच्छी लग रही है। सो दिस इज द फर्स्ट ड्रेस जो हम दिखा रहे हैं, मेरा सेकंड ड्रेस जो है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें हम थोड़ा सा दिखाएंगे किस तरीके से आप टू पीस के साथ
क्रिएटिव हो सकते हैं, नॉट टू क्रिएटिव, वो भी हमने ब्लैक में क्योंकि नेट यूज़ किया है, वो भी एक लुक आप सिंपल आउटडोर इवेंट पे यूज़ कर सकते हैं. ये बहुत दोनों लुक ऐसी हैं जो कि कैजुअल भी हैं और येट आप थोड़ा सा उसमें यू नो फॉर्मल लुक भी आपकी आती है और आप डिसेंट लगते हैं. बिल्कुल नहीं, दिस लुक्स वेरी नाइस. आप जो है वो दूसरा ड्रेस भी जो है वो हम दिखा देते हैं आपको आफ्टर दिस. हम लोग चलेंगे, है ना, आपकी तरफ आ जाओ. बन गया है, बिल्कुल. चलो जी, लेट्स गो देयर. आप हमारे किचन से होते हुए यू कैन लीव जी. आप इस खुशबू से गुजरती गुजरती जाएं. हाँ बिल्कुल. ये अगर कैमरा आपको दिखाए तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पकाया है और सालन समझने में रहता आज. और इसकी ग्रेवी इस तरह की है. अच्छा, जब आप इसको खाएंगे ना तो आपके मुंह में पीसे हुए इसका प्याज का टेस्ट आएगा, खशखाश का आएगा, तो आपको जरा फर्क लगेगा खाने में. अच्छा, खशखाश मुझे तभी अच्छी लगती है जब बिल्कुल फील ना हो रही हो. नहीं होगी आप इंशाल्लाह, नहीं होगी. अच्छा, इसमें मैंने ये एक कप दूध डाल दिया है, इतना रखा है जितनी आपको ग्रेवी चाहिए. लेकिन मैं आपको कहूँगी थोड़ा सा ग्रेवी वाला खाना रखें क्योंकि फिर नान या अगर आप चावल के साथ भी खा रहे तो उसके साथ मजा नहीं आता. अच्छा, दूध इसमें दूध ही डालना है, पानी नहीं डालना? पानी डाला मैंने इसको जितना. अच्छा, जितना गलाने के लिए ना. ठीक है ठीक है. दही और दूध का आपने इस्तेमाल करना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी रहे, इसमें ग्रेवी आए. क्योंकि जब करी का लफ्ज आ जाता है ना तो फिर हम करी के लिए हम इस तरह के खाने इस्तेमाल करते हैं जैसे मुगलई खानों में हुआ करता है. तो जो करी का लफ्ज आ गया उसमें दूध, दही, बादाम, इन चीज़ों का इस्तेमाल है. अच्छा, अगर आपको ये कैमरा दिखा रहा है तो ये देखिए इसकी इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है. अभी मैंने इसको इतना पकाना है जितना मुझे इसकी जरूरत है. ठीक है, थोड़ा सा गाढ़ा करना है. हल्का सा हम इसको गाढ़ा एक दो मिनट के लिए और पकाएंगे. और बाकी ये बन चुका है? ये बन चुका है, ये आराम से बन चुका है. मजे की खुशबू है, इतनी अच्छी खुशबू, सही वो जो देसी सालन की खुशबू होती है हमारा जो आज. और ये अगर हंडिया में बने तो कितना मजेदार. बहुत इंटरेस्टिंग. हांडी में हो तो फिर और मजेदार हो जाए. बहुत बहुत अच्छा. बिल्कुल सही. किस दिन ट्राई करेंगे इवन दैट? यानी वो फिर शो के शुरू से हम बनाना स्टार्ट करेंगे और अगले दिन दम पे रख देंगे और अगले दिन वो बन चुका होगा. वो हंडी का यही तो खासियत भी है कि वो बहुत देर से, जितना खाना देर से बने उतना टेस्टी, उतना टेस्टी होता है, उतना टेस्टी होता है. वो जैसे हलीम निहारी है पाई, हम पकने के लिए रख देते हैं, पूरी पूरी रात पकते हैं तब जाके उसका जायका अच्छा आता है और खास पे हांडियों में या देख में. अच्छा, मेरे ख्याल से तो इसकी ये जो इतना जो है ना ये बिल्कुल परफेक्ट है. इसकी हम प्लेटिंग करते हैं, तब तक मैं बहुत सिंपल डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगी. आ जाइए निम्रा, आप मेरे साथ साथ ही. ठीक है ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, हमने मसाइल तो सारे डिस्कस कर लिए. कोई कॉमन चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है? क्योंकि मैंने देखा जितने भी आस्मा के पेशेंट्स हैं, और जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि मैं बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी जानती हूँ जो स्टीरॉइड्स वाली दवाइयों पे. बिल्कुल. तो ये कैसे प्रिवेंट किया जाए, कितने ज़रूरी है स्टीरॉइड्स इसमें? देखिए, इसमें किसी को अगर बहुत शदीद अटैक होता है या आम एंटी एलर्जी से या बाकी दवाइयों से नहीं फ़र्क पड़ता, फिर वो देते हैं. ये डॉक्टर अपने असेसमेंट करता है. हर किसी को स्टीरॉइड नहीं देते, जिनको ज़रूरत होती है उन्हीं को देते हैं, मजबूरी. मतलब बिल्कुल डायर सर्कमस्टेंसेस, बिल्कुल बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल हो, जब बंदा बहुत मुश्किल में हो, बच्चा हो चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, अगर मुश्किल में है और कोई कंटेंडिकेशन नहीं है तो फिर देते हैं. और शॉर्ट टर्म देते हैं, ज़्यादातर बहुत बहुत कम लोगों को ज़्यादा टाइम देनी पड़ती है, वरना बहुत शॉर्ट टाइम में ही वो रिकवर हो जाता है सिलसिला. तो उसमें यह है कि जनरल से बस परहेज रखना चाहिए. चटपटी चीज़ें, बाजार की चीज़ें, ये जैसे बाजार के जूस, बर्गर, समोसे, जैसा पहले जिक्र किया, चाट, चिप्स, पिज्जा, ये निहारी शहरी सारे लोग खाते हैं. ये सारी कोई भी चीज़ एलर्जी कर सकती है. जिनको एलर्जी है उसका मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये क्या ख्याल करना चाहिए. लेकिन बाकी चीज़ों से इलाज करें, इससे तम्बाकू नोशी से परहेज करें, पान जो लोग खाते हैं उससे परहेज करना चाहिए, अल्कोहल इस्तेमाल करके समाज, ये बिल्कुल ठीक नहीं. ये सब सब एलर्जी का बायस ही बनते हैं और पूरे जिस्म की तबाही का बायस भी बनते हैं अल्टीमेटली. और जिस तरह मैंने एक छोटी सी बात की कि मैं कह रही थी कि जनरल एटिकेट तमीज़ ख़त्म होगी. पहले ये होता था कि जनरल सा एक रूल है कि अगर आप किसी भी महफिल में या आप किसी क्राउड में हैं, आप कहीं भी बाहर गए हुए हैं जहां आपके अलावा भी कोई इंसान है, तो बेशक आप खुली फ़िज़ा में आप सिगरेट नहीं लगा सकते. किसी और के सामने जो स्मोकिंग नहीं करता, सिगरेट लगाना इज़ बैड मैनर्स. डेजिग्नेटेड जगह होती है. ये वो चीज़ें हैं जो आपको कहीं लिखाई नहीं जाएंगी, पढ़ाई नहीं जाएंगी, जो अगर आपके अंदर कॉमन ह्यूमन डिसेंसी है तो आपको समझ आनी चाहिए. और बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि कोई भी कहीं भी खड़ा होकर बीच में, चाहे फैमिली है बड़े छोटे, बोले हाथ तो आप छोड़ ही देना, कहीं पर भी सिगरेट लगा के फूंकना शुरू हो जाते हैं. तो प्लीज़ दूसरों की सेहत का अगर आपको ख्याल नहीं है तो थोड़ी सी तमीज़ कर लीजिए और ऐसा मत किया करें. एक सेपरेट डेजिग्नेटेड जगह जहाँ किसी और को आप नुकसान ना पहुँचा रहे हो, अपने आप को ही सिर्फ पहुँचा रहे हो, जो आपको शौक है उससे भी मैं वैसे आपको मना करती हूँ कि प्लीज़ ना कीजिए. तो ये इन चीज़ों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है. छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर तशरीफ लेकर आए. बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी ज़्यादा बातें. अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, डॉक्टर साहब को दुआएँ दें. छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे.
वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। अच्छा जी, ड्रेस की हमने, भाई मैं पता है हैरानी इस बात पे हूं कि बाल भी फौरन चेंज हो गए। बिल्कुल, बाल तो आपको पता है कि ड्रेस के लुक के साथ हमने चेंज करने होते हैं डेफिनेटली। बहुत अच्छे लग रहे हैं। वेल, बहुत ही सिंपल सा आउटफिट है। बेसिकली ए लाइन में हमने ये नेट की शर्ट बनाई है जिसके साथ हमने इसकी अंडर शर्ट अटैच कर दी है और फुल स्लीव्स हैं जो कि एलिगेंट लगते हैं, किसी भी आप रात या दिन के फंक्शन में पहन सकते हैं। इसके ऊपर मैंने हाथ से ये स्टिच कर दिए हैं मेटालिक फ्लावर्स। आप कहीं से भी कोई भी एम्बेलिशमेंट ले सकते हैं जो कि थोड़ी डिफरेंट लगे बाकी काम और मोती करदाने से। सो वो मैंने लगा दी है। इसमें यह कि एक आपको शेप भी आ गई है, किस तरीके से फैंसी लुक में भी आ गया है और आप ये ईजिली अंडर द बजट बना सकते हैं। ट्राउजर्स आप कोई भी क्यूलॉट भी चल सकते हैं, बेल बॉटम्स भी चल सकते हैं और इवन स्ट्रेट पेंसिल पैंट्स भी साथ में चल सकते हैं, साथ में चल सकती हैं। और ये इतना अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर मैं देख रही हूँ कि जो ये क्या है, मेटालिक फ्लावर्स हैं बेसिकली जो कि हाथ से आप लगा लेते हैं, एम्बेलिश्ड फ्लावर्स। बहुत प्यारे लग रहे हैं और पता है आजकल मैंने देखा है कि प्रिंट्स पे और इन चीजों पे इतना गौर नहीं करता। कट्स एंड सिंपल सिंपल फैब्रिक को भी इतने स्टाइलिश कट में आप पहन सकते हैं कि वो आपका खुद ही फॉर्मली लुक उसमें आ जाती है। और ये देख सकते हैं किस तरीके से साइड से जो है एक स्टाइलिश सी लुक आ रही है। और ये लकीली दोनों तरह की खवातीन जो कि हेल्दी हो या इवन स्किनी हो दोनों भी पहन सकती हैं, दोनों पहन सकती हैं और दोनों को ये फ्लैटरिंग ही लगेगा, अच्छा लगेगा क्योंकि सिलुएट आपकी जो है ना एकदम से स्लिम लगना शुरू हो जाती है। और कानों में इसके साथ पर्ल्स हो, अगर पर्ल्स हो, इवन थ्रेड इयररिंग्स आजकल बहुत ज्यादा चले हुए हैं, वो भी आप पहन सकते हैं, इसके साथ बहुत अच्छे लगे। लेकिन जितना एलिगेंट लुक है ना बहुत अच्छी लग रही है। आ जाइए, बैठ जाइए। मैं मिसेस अशमत से को मैंने अपनी बचपन की भी तस्वीर दिखाई है, मुझे लगता है शौक में ही चली गई है, है ना? वो भी सोच रही होंगी है व्हाट बेटा, ये तो फिल्मी सर्जरी हो गई। अच्छा जी, अगला सवाल मैं पूछ लेती हूँ। नादरा बहावलपुर से पूछ रही हैं, इनका काफ़ी लंबा सवाल है। इनकी अम्मी की उम्र 50 साल है, वजन 81 kg, हाइपरटेंशन की पेशेंट हैं, वो शदीद सर के दर्द में पिछले 4-5 साल से मुबतला हैं, अब इनके जॉइंट्स और नीज में भी दर्द होना शुरू हो गया है। चलिए अपनी वालदा का एग्जैक्टिव प्रोफाइल करें पूरे टेस्ट, क्योंकि सर दर्द बीमारी ही इंडिकेशन है कि हाइपरटेंशन भी है। हाँ, और ब्लड प्रेशर भी है। ब्लड प्रेशर भी बीमारी नहीं है, इंडिकेशन है। लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, 4 major objects हैं हमारी बॉडी में, अगर इनमें एक को भी तकलीफ हो तो हमें ब्लड प्रेशर हो जाता है। बिल्कुल, तो ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं, इसके लिए उनको पूरा अपना एग्जैक्टिव प्रोफाइल करवाना चाहिए ताकि हम मालूम कर सकें कि वजह क्या है। हर एक चीज़ का इलाज है। तो लेकिन 50 लेकिन, इतनी उम्र है तो नहीं वैसे नहीं, कि आपको जॉइंट्स भी हर चीज़ स्टार्ट। लेकिन जब तक वजह मालूम नहीं है चंद दिन के लिए सुबह नहार मो प्याज कूट लें लंगड़ी में, उसको निचोड़ के उसको एक घूंट पी लें, थोड़ा सा एक फल ले लें ताकि मुँह का जायका बदल जाए, फिर आधे घंटे के बाद नाश्ता कर लें। ये चंद दिन के लिए काफ़ी है, लेकिन सही में उस वक्त बता सकूंगी जब इनके टेस्ट आ जाएंगे। जब इनके टेस्ट आ जाएंगे तो आपने प्लीज़ पूरा जो है प्रोफाइल कराना, उसमें बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाए। कोई ख़ास टेस्ट है जो इनको मतलब वो होता है ना, हर एक चीज़ दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। हाँ, लेकिन अक्सर तो लोग कहते हैं कि ज़रूरी ज़रूरी वाले बता दें, असल में एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल अवेयरनेस नहीं, यहाँ कोई टेस्ट नहीं करता। डॉक्टर साहब सर में दर्द है, पेनाडोल खोलो, बस खत्म हो गई बात। बिल्कुल, हालांकि वो बीमारी नहीं है। इस तरह ब्लड प्रेशर बीमारी ही नहीं है, इंडिकेशन है। अब थोड़ा सा वजह मालूम करें ताकि हमेशा के लिए आप ठीक हो जाएं। बिल्कुल, तो ये आपको करना पड़ेगा। और प्लीज़ अपने टेस्ट करा के, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, सच्चे दिल से बात कर रही हूँ कि अगर मेरे तक पहुँच जाते हैं वो रिजल्ट्स, तो मिसेस अशमत यहीं पर हैं, हम आपको उसका जवाब भी दे देंगे। और जितने भी लोग पिंडी और इस्लामाबाद के रहने वाले हैं तो मिसेस अशमत का जो है फ़ोन नंबर एड्रेस यहाँ पर चलता है, प्लीज़ जाइए इनको विज़िट कीजिए ताकि आपको बता सके। अगले 2-3 सवाल मैंने इसलिए अलग कर दिए क्योंकि वो स्किन से रिलेटेड है और स्किन का हमेशा हम आपको बताते हैं कि जब तक हम देख ना लें तो उसका जवाब प्रॉपरली हम आपको नहीं दे सकते। तो टाइम हमारा ख़त्म होता जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू माय डियर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू आप यहाँ पर आई, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत प्यारी हैं आप, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया मुझे। और निम्रा थैंक यू सो मच, थैंक यू माय ब्यूटीफुल मॉडल, आप यहाँ पर आए। थैंक यू हिना, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीकेंड है, फिर से मैं आपको कहूँगी इस हफ्ते में थोड़ी सी ज़्यादा इमोशनल हूँ क्योंकि हम लोगों ने एक शो किया जो कि ओल्ड होम्स पे था और बहुत मुझे अफसोस हुआ कि ज़माना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है हम लोगों में फासले भी बढ़ रहे हैं और सिर्फ एक दूसरे का हाल ना पूछने से, और जिस तरह मैंने कहा था रहम दिल नहीं हम दिल बनने की कोशिश करें तो खुद ही आपकी जो है ना रवैये में खूबसूरती आ जाएगी, काइंडनेस आ जाएगी। प्लीज़ विजिट योर पेरेंट्स, विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स, नहीं कर सकते तो एक कॉल करें, उनका हाल पूछें, उन्हें सिर्फ प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। और पेरेंट्स बी काइंड टूवर्ड्स योर चिल्ड्रन, यही मेरा हमेशा जो है एक आपसे दरख्वास्त होती है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेहकती मॉर्निंग. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छा सा वीकेंड गुजारिएगा. मुलाकात होगी मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.